हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू टुडे इन द सेशन ऑफ क्लास सिक्स ज्योग्राफी वी विल बी रीडिंग एंड लर्निंग अबाउट लेसन नंबर चैप्टर का नाम है मेजर लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ लास्ट चैप्टर में हमने अर्थ के मेजर डोमेन्स पढ़े थे और अब उसी डोमेन में हम पढ़ेंगे लैंड ठीक है दैट मीन्स हम मेजरली लिथोस्फेरिक कंडीशन को और डिटेल में जानेंगे ठीक है इन दिस चैप्टर वी विल बी रीडिंग एंड लर्निंग अबाउटइंग टॉपिक्स कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन को देन वी विल बी रीडिंग अबाउट द माउंटेन्स एंड टाइप्स ऑफ माउंटेन्स देन वी विल रीड अबाउट द प्लेटोज द प्लेन्स लैंड फॉर्म एंड द पीपल ठीक है कैसे उनका लाइफ स्टाइल है और कैसे अलग अलग लैंडफॉर्म पे लोग अलग अलग तरीके से रहते हैं चैप्टर विद्प ऑफ सम एक्सरसाइजेस क्योंकि रिविजन के बिना कोई लर्निंग कंप्लीट नहीं हो सकती चैप्टर नाउट गेट स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर द सर्फेस ऑफ दर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेर अर्थ का सर्फेस कहीं से बहुत उठा हुआ कहीं बहुत फ्लैट कभी डिप्रेशन कभी बहुत माउंटेनस इस तरीके का है, है ना रेगुलर नहीं है एक जैसा नहीं है दी अर्थ हैज एन इनफाइनाइट है लैंड फॉर्म हैं हाँ नाम बहुत सारे तरीके के लैंडफॉर्म्स को दिया गया है फिर भी इनफाइनाइट वेराइटी है हमारी अर्थ पे सम ऑफ द समोस्फेयर में बी रग्ड एंड सम में भी फ्लैट कुछ बिल्कुल रग्ड जिग्जैग टूटे हुए होंगे ठीक है और कुछ होंगे बिल्कुल फ्लैट एकदम एक समान दीज लैंड आर अ रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेसेस लैंडफॉर्म या तो रग्ड होता है या तो फ्लैट होता है और ये दो प्रोसेस की वजह से होता है ठीक है द फर्स्ट जैसे हम इंटरनल प्रोसेस कहते हैं इट लीड्स टू अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस दैट मींस इस प्रोसेस में इस इंटरनल प्रोसेस में या तो लैंड फॉर्म ऊपर उठ रहा होगा या तो लैंडफॉर्म नीचे की तरफ सिंक कर रहा होगा ठीक है सेकेंड इज द एक्सटर्नल प्रोसेस इट इज दंटिन्यूअस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सर्फेस द वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड इरोजन अगर ये कोई लैंड मार्क्स है जिसमें वॉटर या एयर अपने फोर्स की वजह से इरोड करती रहती है इसके मटीरियल को और लैंड सर्फेस का चेहरा शेप बदल जाए ठीक है रीबिल्डिंग हो जाए उस लैंड सर्फेस की तो इसे हम कहेंगे इरोजन इरोजन की वजह से रीबिल्डिंग हो रही है द सर्फेस इज बींग लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रीबिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन तो यहां पे मैंने क्या बताया कि लैंडफॉर्म के बनने के दो तरीके हो सकते हैं या तो देखो इंटरनल दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग इंटरनली इनसाइड द अर्थ एवरीथिंग इज हैपनिंग इनसाइड द अर्थ दैट मींस या तो किसी तरीके से किसी भी लैंड का अपलिफ्टमेंट हो रहा है दैट के इनर पोर्शन में कोई ना कोई मास अपलिफ्ट हो रहा है या तो कोई मास सिंक हो रहा है कोई भी लैंड मास सिंक हो रहा है और ये सेवरल प्लेसेस पे होता रहता है अर्थ सरफेस के ठीक है पूरे अर्थ के सरफेस पे कभी ना कभी कोई ना कोई अपलिफ्टमेंट या कोई ना कोई सिंकिंग कंटिन्यूसली चल रही होती है बहुत स्लो मोशन में होती है इसलिए हमें बहुत क्लियरली विजिबल नहीं होती बट इट कीप्स हैपनिंग द इंटरनल प्रोसेस कीप्स हैपनिंग देयर इज सम काइंड ऑफ अपलिफ्टमेंट और सम काइंड ऑफ सिंकिंग ऑफ द अर्थ सर्फेस एंड दिस हैपन्स एट सेवरल प्लेसेस किसी एक ही जगह पे नहीं अलग अलग ट्रैन पे अलग अलग रीजन में अलग अलग लोकेशन में ऐसा काम होता रहता है और दूसरा तरीका है एक्सटर्नल प्रोसेस होने का मतलब अर्थ के ऊपर अर्थ के सरफेस के ऊपर कुछ चेंजेस आ रहे हैं ठीक है दैट मीन्स अर्थ के ऊपर या तो किसी चीज की बिल्डिंग हो रही होगी या तो कुछ भी इरोड हो रहा होगा अगर बिल्डिंग हो रही है दैट मीन्स वहां पर किसी भी फॉर्म का डिपोजिशन हो रहा है ये जो सेडिमेंट्स ये जो मिट्टी उड़ के आती है और पत्थर बना देती है पहाड़ बना देती है हिल्स बना देती है ये कैसे बनाती होगी किसी दूसरे रीजन से किसी दूसरे रीजन से कुछ इरोड करके लाती होगी और किसी दूसरे रीजन में जाके डिपॉजिट करती होगी राइट देर आर वेरियस फैक्टर्स बींग कैरीड आउट बाय द रनिंग वॉटर और बाय आइस और बाय विंड वॉट दे डू इज दीज फैक्टर्स वॉट दे डू इज वो किसी एक रीजन से इरोड करती हैं, ठीक राइट ऑफ करती हैं और किसी दूसरे रीजन में उसी को डिपॉजिट करती हैं तो एक जगह पर वियर अवे हो रहा है और दूसरी जगह पर बिल्डिंग हो रही है तो जहां बिल्डिंग हो रही है वहां पर डिपोजिशन का प्रोसेस चल रहा होगा किसका प्रोसेस डिपोजिशन का प्रोसेस और जहां से वियर अवे हो रहा है वहां पे इरोजन का प्रोसेस चल रहा होगा किसका प्रोसेस इरोजन का बोला भी मैंने इट इज द कंटिन्यूस वेयरिंग डाउन और रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सर्फिस या तो लैंड सर्फिस वियर डाउन हो रहा है या तो फिर वो रीबिल्ड हो रहा है वियरिंग अवे ऑफ दर्थ सर्फिस इज डन बाई इरोजन ठीक है वियर अवे होना हवा आ रही है इस पहाड़ के कुछ कुछ सेडिमेंट्स को बहुत स्लो मोशन में सालों साल तक इस माउंटेन के सेडिमेंट्स को उड़ाती हुई जा रही है इसे कहते हैं इरोजन और ये जो सेडिमेंट्स उड़ रहे हैं ना वो कहीं और जाकर डिपोजिट जरूर हो रहे होंगे ठीक द सर्फेस इज बींग लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रीबिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ठीक ये दो प्रोसेस है जो एक्सटर्नल प्रोसेस कहलाते हैं बिकॉज दीज हैपन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ सर्फेस जो है हमारे अर्थ का उसके ऊपर हो रहा है ये ठीक है अगर अंदर होता है तो उसे हम इंटरनल प्रोसेस कहते हैं और अगर बाहर हो रहा है तो हम उसे एक्सटर्नल प्रोसेस का नाम देते हैं किसका नाम देते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस का एक्सटर्नल प्रोसेस दो तरीके से हो सकता है कैसे या तो इरोजन से जिससे वियरिंग अवे होगा और या तो डिपोजिशन से जिससे रीबिल्डिंग होगी और ये प्रोसेस करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं द रनिंग वाटर और द आइस और द विंड यही वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक्सटर्नल प्रोसेस पॉसिबल होता है द एक्सटर्नल प्रोसेस ऑफ मेकिंग द लैंड फॉर्म इज पॉसिबल बाय द फैक्टर्स सच एज रनिंग वाटर आइस एंड विंड ओके नाउ अब अगर हम लैंडफॉर्म्स को डिटेल में पढ़ेंगे अर्थ पे कितने टाइप के लैंडफॉर्म्स होते हैं सो ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द एलिवेशन एंड द स्लोप वो कितना ऊंचा है उसका एलिवेशन क्या है और उसकी स्लोप कितनी है ठीक है ढलान कितनी है उसकी इस बेसिस पे हम लैंडफॉर्म्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो तीन ऐसे लैंडफॉर्म्स होते हैं जो एलिवेशन में और स्लोप में काफी डिफरेंट होते हैं नंबर वन माउंटेन्स नंबर टू प्लेटोस एंड नंबर थ्री प्लेन्स तीनों का ही एलिवेशन बिल्कुल डिफरेंट होता है तीनों का ही स्लोप बिल्कुल डिफरेंट होता है और अब हम ये डिटेल में इसको स्टडी करेंगे सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ द माउंटेन्स माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सर्विस ये अर्थ का सरफेस ही होता है ऐसा नहीं है कि ये लिथोस्फीयर का पार्ट नहीं है या ये अर्थ के सरफेस का पार्ट नहीं है ये अर्थ का सरफेस ही होता है पर यह थोड़ा सा एलिवेट हो जाता है इसलिए ये माउंटेन कहलाता है सिंपल ठीक है चाहे एक फ्लैट ग्राउंड हो चाहे प्लेन रीजन हो चाहे एक रीजन हो और चाहे एक माउंटेन हो ये सब के सब अर्थ का सरफेस है ठीक है सरफेस अर्थ के ऊपर का सतह है ये अर्थ की ऊपर की सतह है ठीक है ऑल दीज आर फॉर्म्स ऑफ अर्थ सरफेस ओनली द थिंग ऑफ डिफरेंस इज दैट सम मे हैव द एलिवेशन सम मे हैव अ ग्रिड फॉर्म ऑफ लैंड सम मे हैव अ रॉक फॉर्म ऑफ लैंड ओके एलिवेशन रॉक फॉर्म ऑफ लैंड या जीग्जैक्ट लाइन होना बस यही एक फर्क है इनके शेप इनके साइज या इनके फॉर्मेशन का अदरवाइज ऑल दीज आर पार्ट ऑफ अर्थ सर्फेस ओनली उंटेन इज एनी ने माउंटेन्स में स्मॉल हो सकता है आपको यहाँ पे दिख रहा है ठीक इट इज कंसिडरबली हायर दैन दराउंडिंग एरिया माउंटेन्स अपने आस पास के एरिया से जनरली ऑब्वियसली थोड़े से हायर होते हैं हाइट में इसीलिए हम उन्हें माउंटेन कहते हैं दे आर कंसिडरेबली हायर देन सराउंडिंग एरिया क्लाउड्स कुछ माउंटेन्स तो इतने ऊंचे होते हैं उनकी हाइट इतनी ऊपर होती है कि क्लाउड्स अगर यहाँ फॉर्म हो चुके हैं ऑलरेडी और माउंटेन की हाइट अभी भी बढ़ती चली जा रही है कुछ माउंटेन्स ऐसे भी हैं जो क्लाउड्स के ऊपर होते हैं ठीक है एज यू गो हाईअर क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर हमने पढ़ा भी था ट्रोपोस्फेयर जिस लेयर में हम लोग रहते हैं बेसिकली जिस लेयर में आपको सारी एक्टिविटी देखने को मिलती है रेन एक्टिविटी क्लाउड फॉर्मेशन बर्ड्स का उड़ना एरोप्लेन का उड़ना हॉट एयर बलून का उड़ना ये सारी चीजें आपको ट्रोपोस्फेयर की लेयर में आपको दिख जाती है आप अर्थ के सर्फिस पे रहते हो और पहली लेयर ऑफ एटमोस्फेयर आपकी क्या है ट्रोपोस्फेयर क्या है ट्रोपोस्फेयर हमने लास्ट चैप्टर में मेजर डोमेन्स ऑफ दी अर्थ में भी पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स होती हैं और फर्स्ट लेयर जो हमें अर्थ सरफेस से दिखाई देती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर जिसमें मेजरली सारी एक्टिविटीज होती हैं है, है ना और हमें पता है कि अगर हम जमीन से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम जितना ऊपर जाएंगे टेम्परेचर उतना फॉल करता जाएगा दैट मीन्स उतना ज्यादा कोल्ड होता चला जाएगा करेक्ट सो एज यू गो हायर क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर एंड इन समाउंटेन्स देर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस जिन्हें हम ग्लेशियस कहते हैं कुछ माउंटेन्स ऐसे भी हैं दुनिया में हमारी इंडिया में भी जहां परमानेंटली बर्फ पड़ी रहती है परमानेंटली वो आइस कवर्ड स्नो कवर्ड रहते हैं या फिर उन माउंटेन्स के पास से हमेशा आइस की रिवर फ्लो करती है वॉटर नहीं, नहीं होता है, लिक्विड फॉर्म नहीं होता है आइस के फॉर्म में रिवर फ्लो करती रहती है ऐसी रिवर ऑफ आइस को हम कहते हैं ग्लेशियर क्या कहते हैं ग्लेशियर ग्लेशियर क्या होता है बच्चों रिवर ऑफ आइस क्योंकि कुछ ऐसे माउंटेन्स होते हैं जो इतने स्नो से कवर्ड होते हैं कि उनकी स्नो बहुत अच्छे से पिघलती नहीं है लिक्विड फॉर्म में नहीं बन पाती लिक्विड फॉर्म में नहीं बन पाती रिवर का फ्लो आइस के फॉर्म में ही होना शुरू हो जाता है ठीक है इससे हमें यह भी क्लियर हो जाता है कि सारी रिवर्स मेजरली मेजरली सारी रिवर्स किसी ना किसी माउंटेन से फ्लो होके आ रही होती हैं ठीक है और अगर वो रिवर आइस के फॉर्म में बह रही है तो उसे हम ग्लेशियर का नाम देते हैं ठीक है देर आर सब माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी हां जी पानी के नीचे भी पहाड़ हो सकते हैं बच्चों बिल्कुल हो सकते हैं बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया स्लोप आर स्टीप लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग और माउंटेन के रीजन पे रहना टफ होता है बहुत टफ होता है एक तो पहली बात हार्श क्लाइमेट आपको बहुत ज्यादा वार्म क्लाइमेट नहीं मिलता है है ना जनरली कोल्ड क्लाइमेट रहता है माउंटेनस रीजन पे स्लोप्स बहुत ही स्टीप होती हैं ठीक है थीक्या? बहुत ही स्टीप स्लोप होती है ये हो गया आपकी स्लोप तो माउंटेन रीजन में अगर आपको इतनी स्टीप स्लोप चढ़ना है तो ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क बन जाता है डेली लाइफ के लिए अगर आप ट्रैकिंग पे जा रहे हो या हाइकिंग पे जा रहे हो वो सिर्फ एक दिन का या कुछ दिनों का एडवेंचर है आप कर लोगे पर अगर आपको डेली वही काम करना पड़े तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है है ना दैट इज पीपल लिविंग इन सच इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कम्यूट आसानी से इधर उधर वो लोग नहीं जा सकते फटाफट दौड़ते हुए ठीक एक और चीज क्योंकि यहाँ पे स्लोपी रीजन होता है माउंटेन पे इसलिए फार्मिंग के लिए लैंड बहुत ही कम अवेलेबल होती है देर इज लेस अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड बिकॉज ऑफ द स्लोपी नेचर स्लोपी ट्रायन ऑफ द माउंटेनस रीजन माउंटेन रीजन में स्लोप स्लोप होता है और स्लोप पे आपको पता है बच्चों मिट्टी नहीं टिक पाएगी जो सॉइल है इट विल नॉट बी एबल टू गेट हैंडल्ड एट द स्लोप एलिवेशन और एनी टराइन विच हैज अ स्लोपी नेचर सॉइल वहां रुक नहीं पाएगी और अगर सॉइल नहीं रुक पाएगी तो फिर क्रॉप कैसे ग्रो करेगी क्रॉप तो हमेशा सॉइल पे ग्रो करती है ना इसीलिए माउंटेनस रीजन पे फार्मिंग बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है ठीक है नाउ दीज माउंटेन्स मेंज इन अ लाइन हम रेंज कहते हैं मान लो ये माउंटेन एक और माउंटेन उससे ऊंचा माउंटेन फिर माउंटेन माउंटेन ये जो अरेन्जमेंट है ना माउंटेन का इसी को हम कहते हैं रेंज और बोलते हैं रेंज ऑफ माउंटेन्स ठीक है मैं जनरली माउंटेन्स को एम टी डॉट करके लिखूंगी तो आप लोग समझ जाना कि मैं माउंटेन की बात कर रही हूं एम टी एक शॉर्ट फॉर्म हो सकता है माउंटेन के लिए ठीक है रेंज ऑफ माउंटेन्स मेनी माउंटेन सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरल रेंजेस एक्सटेंडिंग ओवर हंड्रेड ऑफ किलोमीटर्स यस हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक भी माउंटेन की रेंज हो सकती है ऐसे पूरी एक सीरीज चलती चली जा रही है जैसे कि आप यहां देखो हिमालयस हिमालय एक रेंज ऑफ माउंटेन्स एक सीरीज चल रही है पैरल माउंटेन्स की हंड्रेड ऑफ किलोमीटर्स तक यूरोप में ये वाले माउंटेन्स ठीक है यहाँ पे उराल माउंटेन्स यहाँ पे साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन यूरोप का एल्प का रेंज आपको दिख रहा होगा ये सारी रेंज ऑफ माउंटेन्स सीरीज में पैरलली अरेन्ज हैं पैरेलल रेंज ऑफ माउंटेन्स हैं जो कि हंड्रेड ऑफ किलोमीटर्स तक रन करती है यूरोप साउथ अमेरिका रिस्पेक्टिवली मैंने आपको शो भी किया हिमालय इंडिया में आपको दिख रहा है जहां मैंने अभी आरओ बनाया ध्यान से देखो ठीक एल्प आपको दिख रहा है यूरोप में अब मैं आर ओ बना रही हूँ यूरोप में आप ध्यान से देखो और फिर आता है आपका एंडीज ये साउथ अमेरिका में आरो बना रही हूं मैं ध्यान से देखो ठीक ये सारे रेंज ऑफ माउंटेन्स हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक रन करते हैं और पैरेलली वॉक करते हैं ठीक हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ माउंटेन एंडीज माउंटेन है लॉन्गेस्ट रेंज सबसे लंबी रेंज यहां से शुरू होती है पूरे एंड तक जाती है साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे ठीक लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ माउंटेन कौन से हैं? एंडीज माउंटेन ठीक है एंडीज माउंटेन और एक बहुत ही कॉमन बात शायद आपको पता भी होगी बट फॉर अ फैक्ट आई एम टेलिंग यू माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट एंड शेप हर माउंटेन एक हाइट का नहीं होता हर माउंटेन एक शेप का नहीं होता हर माउंटेन की अपनी अपनी हाइट है अपनी अपनी शेप है ठीक है आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पे डू यू नो दैट मोन किया जो कि हवाई में है हवाई नॉर्थ अमेरिका के पास में है मोन किया हवाई इन द पैसिफिक ओशन इज एन अंडर सी माउंटेन माउंटेन है पर वो सी के अंदर बना हुआ माउंटेन है। मैंने आपको बोला भी था सी के अंदर भी माउंटेन हो सकता है इट इज हायर देन माउंट एवरेस्ट बींग टेन थाउजेंड टू हंड्रेड फाइव आप हाइट देख रहे हो कितनी है तो फिर हम लोग माउंट एवरेस्ट को सबसे ऊंची पीक क्यों बोलते हैं बिकॉज इट इज अबव द सर्फेस अबव द सर्फेस है, है इसलिए हम उसको हाइएस्ट पीक बोलते हैं और ये मोनाकिया सी के अंदर है देख रहे हो आप नीचे से निकलता हुआ ऊपर तक आ रहा है और इसकी हाइट अगर आप जमीन तक जाओ अगर सी बेड तक जाओ तो इसकी हाइट है नियरली टेन थाउजेंड टू हंड्रेड फाइव मीटर हाईट वही माउंट एवरेस्ट की हाइट एट थाउजेंड प्लस है 8000 प्लस मीटर्स ठीक है सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज इंटरेस्टिंग फैक्ट कि एक ऐसा माउंटेन जो पहली बात अंडर सी है कौन सी वाटर बॉडी के अंदर है पैसिफिक ओशन के के अंदर अंदर है 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 सबसे बड़े ओशन ओशन ठीक पैसिफिक और इसकी हाइट माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची है विच इज 10,205 मीटर्स हाई और माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है 8,000 प्लस मीटर्स ठीक है और अब माउंटेन्स के साथ पढ़ते हैं हिल्स को ठीक है आपने माउंटेन एंड हिल ये साथ साथ में सुना होगा दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है थोड़ा सा डिफरेंस होता है अ हिल इज अ लैंड सर्फेस दैट राइजेज हायर दैन द सराउंडिंग एरिया ठीक है जनरली अ स्टीप हिल विद एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 हंड्रेड मीटर्स इज टर्म्ड एज अ माउंटेन अच्छा अगर ये लैंड का ये अर्थ का सर्फेस है और अगर थोड़ा सा एलिवेशन हो गया तो इसको हम कहेंगे हिल लेकिन मान लो इसका एलिवेशन 600 मीटर से ज्यादा हो गया तो फिर हम इसको कहेंगे माउंटेन क्या कहेंगे माउंटेन तो इससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कोई भी अप्रेज एलिवेटेड सरफेस ऑफ अर्थ हिल है या माउंटेन अगर उसकी हाइट लगभग 600 मीटर से कम होगी तो उसे हम हिल का नाम दे सकते हैं अगर 600 मीटर से थोड़ा ज्यादा है तो उसे हम माउंटेन कह सकते हैं ये डिफरेंस क्लियर हुआ स्टीप हिल May have an elevation of 600 meters. But if any hill is having an elevation more than 600 meters, more than 600 meters, then it will be known as a mountain. Now, you have to tell me something. Name some mountains with a height of more than 8000 meters. You may copy this as well as you may find few other mountains which have a height of more than 800 meters. ठीक है आप भी अपनी लिस्ट बना के लाओ ये वाले नाम भी आप लिख सकते हो और एडिशन भी कर सकते हो ठीक तो यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं मैंने के टू कंचनजंगा लॉसे जो ओयू धौलागिरी मानसलू ठीक है ये दुनिया में जो आसपास के स्पेशली एशिया के रीजन में मिलने वाले 8000 प्लस मीटर की हाइट वाले माउंटेन्स हैं आप दुनिया के और भी माउंटेन्स को ढूंढ के अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हो जिनकी भी हाइट 800 मीटर से ज्यादा है ठीक है आप ढूंढ लो मैंने यहाँ पे कुछ नाम आपको एग्जाम्पल के लिए आपकी हेल्प करने के लिए लिख दिए हैं केटू कहाँ पर है केटू डिस्प्यूटेड पाकिस्तान एरिया में एट मीटर इसकी हाइट है कंचनजंगा नेपाल में है 8,586 मीटर इसकी हाइट है लौसे नेपाल में है 8,516 मीटर इसकी हाइट है जो ओयू नेपाल में है धौलागिरी नेपाल में है मानसलू नेपाल में है और ये इनकी रिस्पेक्टिव हाइट्स दी हुई हैं, ठीक हाइट के मामले में बेट, बेटा हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो।, हो सकता है आपको यहाँ पे 515 की जगह 51 सॉरी 516 की जगह 515 लिखा मिले विच इज ओके एक दो नंबर इधर उधर चलते हैं बिकॉज ये सब की सब अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं ये सब की सब अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं इसलिए वैल्यूज पे इतना टेंशन मत लेना बस आपको ये जरूर इंश्योर करना है दैट द माउंटेन हैज टू बी द हाइट ऑफ द माउंटेन हैज टू बी मोर देन 8000 मीटर्स तभी आप उसको अपनी लिस्ट में इंक्लूड करना ठीक तो हमने इस स्लाइड में क्या सीखा कि हिल लैंड सरफेस के उठे हुए पोर्शन को कहते हैं जो अपने बाकी के सराउंडिंग सरफेस से थोड़ा ऊंचा होता है पर अगर इसकी हाइट 600 मीटर से ज्यादा हो जाए तो फिर हम इसे माउंटेन कहते हैं ठीक है और यहां पे मैंने कुछ लिस्ट में नाम दे रखे हैं उन माउंटेन्स की जिनकी हाइट 8000 मीटर से ज्यादा है आपको भी कुछ और माउंटेन्स के नाम पूरी दुनिया भर से ढूंढ के लाने हैं ओके ओके नाउ आफ्टर रीडिंग द माउंटेन्स आ जाते हैं टाइप्स ऑफ माउंटेन्स पे मैंने आपको बोला था माउंटेन्स के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं ठीक बस ऐसे एक अर्थ सरफेस उठ गया और वो माउंटेन बन गया ऐसे नहीं होता क्रिएशन होता है माउंटेन्स का अलग अलग प्रोसेस की वजह से ठीक है देर आर वेरियस प्रोसेस विच गोज बिहाइंड द थ्योरी ऑफ क्रिएटिंग क्रिएटिंग एंड क्रिएशन ऑफ अ माउंटेन सबसे पहला है फोल्ड माउंटेन ठीक द हिमालयन माउंटेन्स एंड द एल्प ये बहुत ही यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं दुनिया के विद रग्ड रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक्स रग्ड रिलीफ मतलब थोड़ा सा जिक्जैक्ट है ना थोड़ा सा अनइवन है टूटा हुआ है कहीं से कहीं से ऊंचा है कहीं से नीचा है थोड़ा रग्ड रिलीफ है और इनके पीस बहुत कॉनिकल होते हैं क्यों क्योंकि ये यंग है ये यंग यंग माउंटेन्स हैं जो अभी अभी फोल्डिंग की वजह से बन रहे हैं हालांकि इनको मिलियन ईयर हो चुके हैं बनते हुए पर जोग्रफी की लैंग्वेज में मिलियन ईयर बना पहले कोई भी रिलीफ फीचर यंग कहलाया जाता है ठीक ज्योग्राफी की लैंग्वेज बेटा थोड़ी सी अलग है तो अगर कोई माउंटेन अभी मिलियन ईयर पहले बना है एक लाख साल पहले बना है दस लाख साल पहले बना है तो हम उसे यंग मानेंगे ऑल राइट right. तो हिमालयन माउंटेन जो इंडिया में है और जो एल्प माउंटेन्स हैं ये दोनों के दोनों फोल्डेड माउंटेन्स हैं रग्ड रिलीफ है इनका और कॉनिकल पीक है वही जो अरावली रेंज है राजस्थान के पास देखने को मिलती है इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड. इंडिया का तो यह सबसे बड़ा पुराना, सबसे पुराना माउंटेन रेंज है अरावली रेंज इंडिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है और दुनिया में भी वन ऑफ दी ओल्डेस्ट है सबसे ओल्डेस्ट तो नहीं बट वन ऑफ दी ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज है अरावली रेंज ठीक तो अरावली और हिमालय दोनों ही सबसे फेमस माउंटेन्स हमारी कंट्री के जो हैं वो दोनों फोल्ड फीचर से बने हैं किससे बने हैं फोल्डिंग फीचर से बने हैं अब ये फोल्डिंग कैसे होती है ये मैं आपको बताऊंगी द रेंज हैज कंसिडरेबली डाउन ड्यू टू द प्रोसेसिस ऑफ इरोजन अगर हम अरावली रेंज की बात करें तो उसके पीक्स उतने कोनिकल नहीं है नहीं है क्योंकि पुराने हैं बहुत ज्यादा पुराने हैं हिमालय से तो एजेस पुराने हैं इस वजह से उनके पीक जो है वो वार्न डाउन हो चुके हैं ड्यू टू इरोजन विंड के फैक्टर्स ने या वाटर के फैक्टर्स ने या बहुत सारे अदर फैक्टर्स की वजह से जो अरावली रेंज के क्रॉनिकल पीक हैं वो अब वार्न आउट हो चुके हैं काफी ज्यादा इरोजन हो चुका है अरावली माउंटेन्स का क्योंकि ये बहुत पुराने हैं हिमालय के कंपेरिजन में देश इन दी नॉर्थ अमेरिका एंड दी उराल माउंटेन्स इन रशिया हैव राउंडेड फीचर्स एंड दे हैव वेरी लो एलिवेशन नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन्स हैं अपलेशियंस और रशिया के पास पाए जाने वाले ओवरऑल माउंटेन्स ये दोनों माउंटेन्स भी फोल्ड माउंटेन्स हैं और इन दोनों का ही एलिवेशन काफी कम है बहुत कम हाइट है इनकी ठीक है और इनके फीचर्स भी काफी राउंडेड हैं। दैट मींस अरावली की तरह इनकी पीक भी थोड़ी राउंडेड फॉर्म में है और ये ऐसी इस वजह से हैं क्योंकि ये बहुत पुराने माउंटेन्स हैं ये बहुत पुराने फोल्ड माउंटेन्स हैं इस वजह से इनके साथ भी वही इरोजन की एक्टिविटी हुई है जो अरावलीस के साथ हुई है ठीक है दी आप दी उल माउंटेन्स द पीक्स मस्ट हैव बीन इरोडेड दे मस्ट हैव बीन वॉर्न डाउन बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन जस्ट लाइक द अरावली रेंज इन इंडिया ओके okay? इसका ये मतलब नहीं है कि ये ऊंचे नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है ये बहुत पुराने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्पेशली ओवरऑल माउंटेन तो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो यूरोप के कॉन्टिनेंट को एशिया के कॉन्टिनेंट से सेपरेट करता है इसलिए भी ठीक है तो ये माउंटेन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सो आपको ये नाम याद होने चाहिए आपको ये नाम याद होने चाहिए कि हमारे यहाँ कौन से फोल्डेड माउंटेन्स हैं और दुनिया के भी कौन से फेमस ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है रीडिंग फर्दर अबाउट फोल्ड फोल्ड माउंटेन्स हिमालय फोल्ड स्केल अर्थ मूवमेंट्स कॉज्ड बाय स्ट्रेसेस इन दी अर्थ क्रस्ट मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि फोल्ड होता कैसे है देखो क्या होता है बच्चों अर्थ का जो क्रस्ट होता है ना ठीक है अर्थ के क्रस्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा होता है वो चाहे दुनिया के ऊपर के सरफेस की वजह से चाहे एटमोस्फेरिक प्रेशर की वजह से बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं देर आर वेरियस नंबर ऑफ फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच देर आर देर इज लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन अर्थ क्रस्ट और जब क्रस्ट पे स्ट्रेस पड़ता है कंटिन्यूअसली स्ट्रेस पड़ता है सो देर इज सम काइंड ऑफ मूवमेंट क्रस्ट थोड़ा सा मूव करता है जैसे आप भी बेटा बैठे हुए हो अगर मान लो आप ये बैठे हुए हो और आपको हल्का सा कोई स्ट्रेस दे कोई ऐसे धक्का दे हल्का सा आप भी मूव कर जाओगे ना हल्का सा सेम हैपेंस विद द क्रस्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट पे कॉन्स्टेंट स्ट्रेस की वजह से थोड़ा सा मोशन थोड़ा सा मोशन क्रिएट होता है सच स्ट्रेसेस मे बी कॉज्ड बाय वेट ऑफ ओवरलाइंग रॉक्स

किसी तरीके का एक्सपेंशन या किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्शन दोनों चीजें क्रिएट होने की वजह से भी स्ट्रेस का क्रिएशन होता है और ये सारा स्ट्रेस बियर करना पड़ता है क्रस्ट को किसको क्रस्ट को लेट मी जस्ट रिमूव समिंग ये सारा प्रेशर बियर करना पड़ता है क्रस्ट को ठीक है नाउ दी स्ट्रेसेस सब्जेक्ट द रॉक टू कंप्रेसिव फोर्सेस प्रोड्यूसिंग रिंकलिंग और फोल्डिंग अलोंग द दाइन ऑफ वीकनेस हेन्स दीज आर कॉल्ड फोल्ड माउंटेन्स जब ये स्ट्रेस पड़ता है और ये मान लीजिए क्रस्ट है ये क्रस्ट में मूवमेंट होता है इस मूवमेंट की वजह से ऊपर के जो भी रॉक्स हैं या जो भी सरफेस है जो भी प्लेट है इस क्रस्ट के ऊपर उसमें फोल्डिंग आ जाती मुड़ जाती है वो और ये लगातार मुड़ती रहती है क्योंकि क्रस्ट पे लगातार स्ट्रेस पड़ता रहता है कांस्टेंट स्ट्रेस की वजह से कांस्टेंट फोल्डिंग होती है और यही फोल्डिंग धीरे धीरे माउंटेन का क्रिएशन कर देती है ठीक हिमालया की रेंजेस को देख के आप समझ सकते हो जैसे कि मैंने बताया था आर द रेंज आर स्टिल स्टिल फोल्डिंग दैट मीन देर इज स्टिल सम काइंड ऑफ स्ट्रेस विच इज देयर ऑन दी अर्थ क्रस्ट हमारी इंडिया की प्लेट के ऊपर जो इंडिया की टेक्टोनिक प्लेट है उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली प्रेशर पड़ता रहता है मूवमेंट होता रहता है उस मूवमेंट की वजह से जो ऊपर की सरफेस है उसमें फोल्डिंग आती रहती है और इस फोल्डिंग की वजह से माउंटेन का क्रिएशन होता है ठीक है तो ऐसे बनते हैं फोल्ड माउंटेन्स तो ये हो गए फर्स्ट टाइप ऑफ फोल्ड माउंटेन जिनका सॉरी फर्स्ट टाइप ऑफ माउंटेन जिनका नाम है फोल्ड माउंटेन्स हमारे यहां एग्जांपल्स में आपको मिल सकता है हिमालयस जो कि काफी यंग है और पुराने रेंज ऑफ सिस्टम में आप देख सकते हो अरावलीस ठीक है अरावलीज भी इसी फोल्डिंग के फीचर से बनी हुई माउंटेन रेंजेस हैं अब आ जाते हैं सेकेंड टाइप ऑफ माउंटेन्स पे जिन्हें हम कहते हैं ब्लॉक माउंटेन्स ब्लॉक ठीक है प्रॉपर ब्लॉक दे आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली ठीक है यहां कोई हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग नहीं हो रही है या फिर कोई फोल्डिंग नहीं हो रही है दो प्लेट्स की बल्कि क्या हो रहा है एक प्लेट और दूसरी प्लेट वर्टिकली ऊपर नीचे ठीक है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाती है तब ब्लॉक माउंटेन्स का क्रिएशन होता है दिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म एज हॉर्स एंड द लोअर ब्लॉक्स आर कॉल्ड एज ग्रेबन या ग्राबन ठीक है मान लो जैसे ये एक प्लेट है ये एक प्लेट है और ये दोनों आपस में टकराए और उसकी वजह से क्या हुआ ड्यू टू प्रेशर ये वाला ब्लॉक ऊपर उड़ गया और ये वाला ब्लॉक ग्राबिन वाला पार्ट, पार्ट जो है वो डोमिनेट हो गया ठीक है वो डोमिनेट होकर नीचे दब गया ठीक अब आप देख सकते हो कि ग्राबिन के कंपैरिजन में होर्स्ट वाला पॉइंट या जो ये ब्लॉक है ये ऊंचा हो गया है दैट इज वाई ये एक ब्लॉक बन गया जैसे हम कह रहे हैं ब्लॉक माउंटेन ये अपने बाकी के एरिया से सरफेस एरिया से ऊंचा हो गया और एक माउंटेन का क्रिएशन कर लिया राइन वैली एंड द वॉसगेस या वॉसजेस भी बोला जाता है इन माउंटेन्स को इन यूरोप आर एग्जांपल्स ऑफ सच माउंटेन सिस्टम्स अच्छा ये जो राइन वैली है ये जर्मनी में है और ये वॉसजेस या वॉज माउंटेन जो है ये फ्रांस में है ठीक है सो so, ये तो ऐसे माउंटेन सिस्टम हैं जो ब्लॉक के फॉर्म में क्रिएट हुए थे दैट मींस जब दो प्लेट्स आपस में लड़ी तो कोई किसी के ऊपर नहीं गया कोई दबा नहीं बल्कि वर्टिकल मूवमेंट की वजह से एक ऊपर चला गया और एक नीचे दब गया ठीक है इसको कहते हैं ब्लॉक माउंटेन आ जाते हैं थर्ड फॉर्म पे जिसको कहते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स वोल्केनिक आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी दैट मीन्स कोई एक अर्थ का सर्फेस था और वहां से जो मैग्मा है वो लावा बन के बाहर फूटा और ये जितना लावा बाहर निकला ये सब यहीं पे जमा होता चला गया जमा होता चला गया सालों साल यहाँ पे बोल के नो इरप्ट होते गए और यहीं पे लावा निकला और फ्रीज हो गया लावा निकला और सॉलिडिफाई हो गया क्या हो गया सॉलिडिफाई हो गया यहीं पे लावा निकल के सॉलिडिफाई हो गया अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये एक माउंटेन का क्रिएशन कर रहा है बिल्कुल कर रहा है है ना? और ऐसे क्रिएटेड माउंटेन्स को वोल्केनिक माउंटेन्स का नाम दिया जाता है वो माउंटेन्स जो किसी वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से क्रिएट होते हैं उन्हें हम वोल्केनिक माउंटेन्स कहते हैं ओके okay? एग्जांपल्स क्या है माउंट केली मंजारो जो कि अफ्रीका में है माउंट फूजियामा जो कि जापान में है ये दो ऐसे माउंटेन्स हैं सॉरी ये दो ऐसे माउंटेन्स हैं जो वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से क्रिएट हुए हैं ठीक है रीडिंग मोर अबाउट द यूजफुलनेस एंड फीचर्स ऑफ माउंटेन्स वेरी यूजफुल द आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर क्योंकि आपको पता है इन माउंटेन्स पे जमी हुई बर्फ पिघल कर रिवर्स के फॉर्म में आती है प्लेन रीजन में और फिर हम उसी रिवर से वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं अपनी नीड्स के लिए मेनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर्स इन द माउंटेन्स बहुत सारी रिवर्स का तो ग्लेशियर्स सोर्स होती हैं दैट मीन्स कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से फ्लो करना शुरू करती हैं रिजर्व ऑयर्स आर मेड एंड द दॉटर इज हार्नेस्ट फॉर द पीपल फॉर द यूज ऑफ पीपल हम रिजर्व ऑयर बनाते हैं ताकि हम उसमें पानी को स्टोर कर सके रिजर्व ऑयर बहुत बड़े बहुत ही बड़े होते हैं साइज में पानी को सेव करने के लिए बनाए जाते हैं ताकि हम लोगों के यूज के लिए उसको इस्तेमाल कर सके वॉटर फ्रॉम द माउंटेन्स इज ऑल्सो यूज फॉर इरीगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी का क्रिएशन होता है पानी से बचो कैसे होता है जब पानी बहुत हाइट से गिरता है ना स्पेशली जहां फॉल्स होती है कभी भी अगर पानी हाइट से गिरता है तो एक करंट एक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन पॉसिबल होता है वहीं पे टरबाइन जैसी मशीनरीज और बहुत बड़ी बड़ी मशीन और भी बड़ी मशीन लगा दी जाती हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है और फिर हम उसे स्टोर कर लेते हैं तो पानी ना केवल हमारे ड्रिंकिंग वॉशिंग में बेदिंग में काम आता है बल्कि हमारे इरीगेशन की फैसिलिटी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की फैसिलिटी में भी काम आता है हम लोगों ने अभी तीन टाइप्स ऑफ माउंटेन्स पढ़े जिसमें से सबसे पहला था फोल्ड माउंटेन फिर था ब्लॉक और माउंटेन। माउंटेन के लिए यहां पे एक और एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो क्लाउड बनाता है और फिर ये यहीं पे ये लावा सॉलिडिफाई होने लगता है और फिर एक माउंटेन का क्रिएशन कर लेता है रीडिंग फर्दर अबाउट ऑफ माउंटेन द रिवर वैलीज एंड द टेरेज आइडियल फॉर द cultivation ऑफ क्रॉप्स वैसे तो देखो माउंटेनस रीजन में माउंटेनस टेरेन में एग्रीकल्चर करना बहुत टफ होता है पर अगर आपको दो माउंटेन्स के बीच का ये जो वैली रीजन है ये अगर मिल जाता है तो ये बहुत ही एग्रीकल्चरली एग्रीकल्चरली बेनिफिशियल होता है क्योंकि यहां पे बहुत न्यूट्रिएंट रिच सॉयल देखने को मिलती है इन द वैली रीजन ठीक और अगर आपको टेरेस मिल जाए मतलब ऐसे माउंटेन का क्रिएशन है कि आपको दिख रहा है कि छत बनी हुई है ठीक जब भी ऐसी वैलीज और टेरेस मिलती हैं आपको माउंटेनस रीजन पे तो फिर क्रॉप्स का कल्टीवेशन बहुत ही सुटेबल और आइडियल हो जाता है

दे विजिट द माउंटेन्स फॉर देअर सीनिक ब्यूटी है ना हमारी इंडिया में तो न जाने कितने हिल स्टेशन हैं और अब तो और नए नए हिल स्टेशन भी फेमस होते जा रहे हैं फॉर देअर सीनिक ब्यूटी सेवरल स्पोर्ट्स लाइक द पैराग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग हैंग ग्लाइडिंग द रिवर राफ्टिंग स्कीइंग दे आर वेरी पॉपुलर स्पोर्ट्स इन दी माउंटेनस रीजन और ये आप स्पोर्ट्स केवल माउंटेनस रीजन पे ही कर पाओगे क्योंकि वो इतनी हाइट पे होते हैं ये वाले सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स केवल हाइट से किए जा सकते हैं इसलिए माउंटेनस रीजन में ही ये एक्टिविटीज आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगी कि लोग पैराग्लाइड कर रहे होते हैं ये देखो ये पैराग्लाइडर है ठीक है पैराग्लाइड कर रहे होते हैं लोग हैंग ग्लाइडिंग मतलब एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन के बीच में रोप को जोड़ दिया जाता है और आपको बीच में हैंग कर दिया जाता है और आप हैंग करते हुए जाते हो दूसरे माउंटेन तक ठीक रिवर राफ्टिंग होती है क्यों रिवर राफ्टिंग होती है माउंटेनस रीजन में क्योंकि माउंटेनस रीजन के पास की जो रिवर होगी उसका फ्लो बहुत तेज होगा और तेज फ्लोइंग रिवर में ही राफ्टिंग बहुत अच्छे से हो सकती है और फिर एक स्पोर्ट्स होता है स्की जो कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हो ये सारे स्पोर्ट्स बहुत पॉपुलर होते हैं माउंटेनस रीजन में ठीक है आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म की ओर एक और बहुत इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म जिसका नाम है प्लेटो ठीक प्लेटो प्लैटो इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड फ्लैट होती है पर थोड़ी एलिवेटेड होती है थोड़ी थोड़ी हुई उसकी हाइट होती है माउंटेन जितनी हाइट तो नहीं पर थोड़ी सी सी लेवल से ऊपर होता है पर फ्लैट होता है ठीक इट इज अ फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया अपने आसपास के एरिया से थोड़ा ऊंचा पर फ्लैट होता है लगता है जैसे टेबल रखी हुई है अगर आप ऊपर से आसमान से देखो किसी प्लेटो एक रीजन को जैसे यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है टेबल रखी हुई है है ना अ प्लेटो में हैव वन और मोर साइड्स विथ स्टीप स्लोप्स हो सकता है एक या दो साइड्स हो उसकी और उसकी जो स्लोप होगी वो थोड़ी स्टीप होगी ठीक है थोड़ी स्टीप स्लाइड स्लाइड्स होती हैं। द हाइट ऑफ प्लेटोज ऑफ एन वैरीज फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड मीटर्स अगर आप हाइट की बात करो तो कुछ प्लेटो एक रीजन की हाइट तो केवल कुछ हंड्रेड मीटर्स में है पर कुछ प्लेटो एक रीजन की हाइट थाउजेंड मीटर्स में भी हो सकती है ठीक प्लेटोस लाइक द माउंटेन्स मे बी यंग और ओल्ड या तो यंग हो सकते हैं जैसे हिमालयास हैं और ओल्ड भी हो सकते हैं जैसे अरावली माउंटेन्स हैं प्लेटो भी माउंटेन्स की तरह यंग इन दी एज या ओल्ड इन दी एज हो सकते हैं डिपेंड करता है उनका फॉर्मेशन कब हुआ था जब भी उनका जिस एज में उनका फॉर्मेशन हुआ है उसी से पता चल जाता है कि वो यंग है या ओल्ड है अब अगर इंडिया की बात करें yeah. द डेकिन प्लेटो डेकिन प्लेटो इंडिया का सबसे पुराना प्लेटोइक रीजन है ईस्ट एफ्रिकन प्लेटो इनकीनिया तंजानिया एंड इन युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेटो ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये भी कुछ एग्जाम्पल है प्लेटोइक रीजन इन द वर्ल्ड के तो क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं प्लेटोइक रीजन के इंडिया में तो हो गया डेकिन प्लेटो का रीजन है ना जब हम पेनसोलर इंडिया देखते हैं जब हम पेन इंडिया देखते हैं तो ये वाला जो प्लेटो एक रीजन है डेकेन प्लेटो जिसे हम कहते हैं ये इंडिया का सबसे पुराना प्लेटो एक रीजन है और भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं प्लेटोस के ऑल ओवर द वर्ल्ड ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो जो कि की केनिया में है और क्योंकि हम ईस्ट अफ्रीकन रीजन कह रहे हैं मतलब इस प्लेटो का जो भी स्ट्रेच होगा वो किसी एक कंट्री में तो नहीं होगा फ्रिकन साइड ऑफ प्लेटो कीनिया तंजानिया युगान्डा तीनों में उसका स्ट्रेच है ठीक ऑस्ट्रेलिया में भी एक प्लेटो एक रीजन है वेस्टर्न प्लेटो ठीक दैट मीन वो ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न साइड लाइन पे या वेस्टर्न कोस्ट लाइन पर सिचुएटेड है ओके द टिबिट प्लेटो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटो हाइएस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेटो जिसकी हाइट काफी ज्यादा भी है प्लस वो दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेटो है टिबिट प्लाटो उसे हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं वो इतना ऊंचा है कि हम उसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं क्या कहते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड हमारी दुनिया की छत है वो वो इतना ऊंचा इतना फ्लैट और इतना लंबा है द टेब प्लेटो इज द हाइएस्ट मैंने बिगेस्ट नहीं बोला है मैंने लार्जेस्ट नहीं बोला है मैंने हाइएस्ट बोला है उसकी हाइट बहुत ज्यादा है द टेब प्लेटो इज दाइएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड विद द हाइट ऑफ फोर थाउजेंड टू सिक्स थाउजेंड मीटर्स अब द मेन सी लेवल अगर हम सी लेवल को जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है हम सी लेवल को अगर जीरो मान लें, तो उसकी हाइट इस प्लेटो की हाइट टिबेट प्लेटो की हाइट लगभग चार हजार से छह हजार मीटर की है वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपोजिट हर किसी की देखो अपनी इंपॉर्टेंस होती है माउंटेन्स की अपनी इंपॉर्टेंस है प्लेन्स की अभी हम उनकी इंपॉर्टेंस आगे पढ़ेंगे कि प्लेन्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं वैसे ही प्लेटोज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज दे आर अ वेरी रिच डिपोजिट ऑफ मिनरल्स एंड एज अ रिजल्ट मेनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेटो एरियाज क्योंकि यहां पर बहुत सारे मिनरल्स हैं इसलिए दुनिया के ज्यादातर और बहुत बड़े बड़े माइनिंग एरियाज हमेशा प्लेटो के रीजन में ही होते हैं क्योंकि जहां मिनरल होगा वहीं पे तो उसको माइन करना पड़ेगा ना इसीलिए दुनिया की बहुत सारी माइनिंग एरियाज एंड वेरियस माइनिंग कंस्ट्रक्शन साइट एंड सॉरी माइनिंग साइट्स आर फाउंड इन द्लैटोक रीजन ओके रीडिंग फर्दर अबाउट the plateau, African plateau प्लेटो इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग जैसे मैंने बताया आपको कि plateau में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं और क्योंकि वहां मिनरल्स पाए जाते हैं इसलिए वहां पर माइनिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है There is इज एन of एक्टिविटी activity which इन in the एक रीजन ऑल अराउंड द वर्ल्ड तो इसीलिए बात करते हैं कि दुनिया के कौन से प्लेटो कौन से मिनरल्स या कौन सी माइनिंग के लिए फेमस हैं अफ्रीकन so, प्लेटो जो है जो हम लोगों ने अभी बात करी थी ईस्ट अफ्रीका के प्लेटो एक रीजन जो कि कहां तक स्प्रेड है कीनिया तंजानिया युगांडा इस देखो हमने स्लाइड देखा भी था है ना इन तीन कंट्रीज में स्ट्रेच है ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेटो का तो जो अफ्रीकन प्लेटो है वो किस लिए फेमस है गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए बहुत ज्यादा गोल्ड और डायमंड की अबंडेंस है अफ्रीकन प्लेटो एक रीजन में इसलिए वहां पर सबसे ज्यादा माइनिंग गोल्ड और डायमंड की होती है इसका ये मतलब नहीं है कि वहां और कोई मिनरल में नहीं मिलता

उस वाले रीजन में आयरन कोल और मैंगनीज बहुत ज्यादा अच्छे रिजर्व में पाया जाता है इसलिए उस रीजन में सबसे ज्यादा माइनिंग किसकी होती होगी आयरन कोल और मैंगनीज की अब आप कहोगे इंडिया में जब इतना कोल है हमारे पास तो हम लोग बाहर से क्यों मंगाते हैं बेटा बाहर से हम लोग इसलिए मंगाते हैं क्योंकि इंडिया में जो वैरायटी ऑफ कोल मिलता है वो उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है ठीक है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है इसलिए हमें बाहर से मंगाना ही पड़ता है आयरन और मैंगनीज की क्वालिटी काफी अच्छी पाई जाती है इंडिया में इन द द्लैटो एरिया के पास जनरली ऐसा होता है क्योंकि फ्लैट लैंड होती है और थोड़ी हाइट पे भी होती है इसलिए अगर कोई रिवर वहां से फ्लो करती हुई आ रही है और जब वो नीचे गिरती है तो वो एक वॉटर फॉल बना देती है तो जनरली हमें प्लेटोइ रीजन के पास बहुत अच्छे वॉटर फॉल्स देखने को मिलते हैं जो कि बहुत अच्छी हाइट से गिर रहे होते हैं इंडिया में हुंदरू फॉल्स हैं छोटा नागपुर प्लाटो में और वो कौन सी रिवर से फॉल करते हैं ऑन द रिवर सुबर्ण रेखा ठीक है Jog फॉल्स जो की कर्नाटका में हैं, दे आर वेरी गुड examples ऑफ सच वॉटरफॉल्स एक तो पहली बात बच्चों ये वॉटरफॉल्स बहुत सुंदर हैं, आपको जरूर जाके देखने चाहिए कभी भी अगर आपकी फैमिली ट्रिप कभी plan प्लान हो Please go to these falls, especially jog falls, बहुत सुंदर हैं, ठीक है? है, है. है जो कि छोटा नागपुर में और जॉक फॉल्स में ये ऐसे प्लेटो जो लावा के क्रिएशन से बने हैं दैट मीनस कभी ना कभी वहां पर वोल्केनो इरप्ट हुआ होगा और फिर उसमें से जो भी लावा निकला वो सॉलिडिफाई हो गया वहीं पर सॉलिडिफाई हो गया और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा प्लेटो रीजन बन गया तो कोई भी प्लेटो अगर अपने लावा की वजह से क्रिएट हुआ है ऐसे प्लेटो ब्लैक में बहुत रिच होते हैं और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया में महाराष्ट्र और कर्नाटका का रीजन ये प्लेटो एक रीजन है और यहां पर ब्लैक सॉइल बहुत अच्छी मिलती है एंड दीज सॉइल आर वेरी फर्टाइल एंड वेरी गुड फॉर कल्टीवेशन हालांकि ब्लैक सॉइल पे बहुत ही लिमिटेड टाइप ऑफ कल्टिवेशन या क्रॉप उगाया जा सकता है तो ब्लैक सॉइल वैसे तो कल्टिवेशन के लिए बहुत अच्छी होती है बट इट हैज समिमिटेशन ऑल्सो दैट मीन्स नॉट ऑल क्रॉप कैन बी grown इन द ब्लैक सॉइल एंड स्पेशली ये फेमस होती है कॉटन के लिए बहुत रिच कॉटन ग्रो कर सकता है इफ यू हैव ब्लैक सॉइल Okay. To well. mm -hmm. फोटोज में देख के भी लग रहा होगा कि अगर आप किसी प्लेटोक रीजन में जाओ जहां आपको ऐसा लैंडस्केप देखने को मिले तो कितना सुंदर लगेगा कुछ प्लेटोज जहां से वाटरफॉल गिर रहा है कुछ प्लेटोज जहां से दूर तक माउंटेन्स भी दिख रहे हैं ऐसे एक रीजन को घूमना बहुत ही अच्छा टूरिस्ट स्पॉट भी होता है और इसीलिए प्लेटो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर लैंडफॉर्म बनाता है अर्थ का ठीक है तो यहां पे हम लोगों ने जितने भी प्लेटो एक रीजन के नाम पढ़े हैं बच्चों इनके नाम आपको बिल्कुल याद होने चाहिए ठीक है अच्छे से देख लो बच्चों ये है छोटा नागपुर प्लाटो रीजन ठीक है विच इज वेरी फेमस फॉर आयरन कोल एंड मैंगनीज माइनिंग ठीक ये है छोटा नागपुर प्लाटो आप देख सकते हो कैसे यहां पे झारखंड का रीजन हल्का सा ओडिशा का रीजन बंगाल का रीजन टच होता है यहां पे ठीक है एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड थर्ड एंड द लास्ट मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ विच इज प्लेन रीजन ठीक है लिथोस्फेयर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया हमारा हाँ ये बात सच है कि लिथोस्फेयर ओशनिक क्रस्ट के नीचे भी होता है पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे जितने ही तरीके के लैंडफॉर्म हो सकते हैं वो हमने स्टडी कर लिए ठीक हमने माउंटेन देख लिया माउंटेन के साथ हिल देख लिया हमने प्लेटो देख लिया ठीक है और अब हम देख लेते हैं प्लेन रीजन right. और राइट प्लेन आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड फ्लैट लैंड होगी और लार्ज स्ट्रेच होगा थाउजेंड ऑफ किलोमीटर तक का स्ट्रेच होगा लैंड का दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 हंड्रेड मीटर अब द मीन सी लेवल अगर सी का लेवल ये है तो ये कुछ 200 सौ मीटर ही ऊपर होते हैं बस इनकी हाइट इतनी ही ऊपर होती है माउंटेन्स की तरह हजार की रेंज में ये ऊंचे नहीं होते क्योंकि ये फ्लैट लैंड है इसीलिए तो सी के इतने पास में है ठीक है तो हद से हद इनकी हाइट 200 मीटर बहुत ज्यादा 500 मीटर होती है बस इससे ज्यादा इनकी हाइट नहीं होती है सम प्लेन आर एक्सट्रीमलीवल कुछ प्लेन्स तो इतने लेवल होते हैं लेवल से बेटा मेरा यह मतलब नहीं है कि आपकी रोड होंगी वो एकदम सीधी सीधी होंगे आई एम टॉकउटन आई एम टॉकिंग अबाउट द टरायन दियोर जियोग्राफिकल ट्रायन टराय टरायन बिल्कुल सीधा होगा हाँ उसमें उबड़ खाबड़ गड्ढे जरूर होंगे पर वो होगा फ्लैट एलिवेशन या किसी तरीके के डिपोजिशन या किसी तरीके के डिप्रेशन देखने को नहीं मिलते हैं प्लेन रीजन में फ्लैट लैंड होती है इसीलिए इतनी आसानी से यहां सड़कें बिल्डिंग स्कूल दे ऑल कैन बी क्रिएटेड वेरी इजिली ऑन द प्लेन रीजन बिकॉज ऑफ अ फ्लैट लैंड फैसिलिटी फ्लैट लैंड होती है दैट इज बाय ऑल दीज इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी बिल्ड वेरी इजिली ऑन द प्लेन रीजन प्लेन्स सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल्ड कुछ ज्यादा ही लेवल्ड होते हैं बिल्कुल ही एकदम Others may be slightly rolling and undulating. Most of the plains are formed by rivers and their tributaries. Zadatar plains, rivers are tributaries. The rivers flow down the slopes of mountains and then they erode them. They carry forward the eroded material. Then they deposit their load consisting of stones, sand, silt along their courses and in their valleys. It is from these deposits. प्लेन्स आर फॉर्म्ड। क्या कह रही हूं मैं यहाँ पे जिसको भी नहीं समझ में आया रिलैक्स आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग क्या बताया मैंने कैनीज एजुकेयर में सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर की जाए कि कुछ रटू तो करने की जरूरत नहीं है ओके यू डोंट हैथिंग यू विल हैडिंग क्रिएट्स अ बेटर लर्निंग ओके ऑल राइट तो मैं यहाँ भी आपको ये बताना चाह रही हूं हाउ प्लेन्स आर फॉर्मड प्लेन्स फॉर्म कैसे होते हैं ये एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रही हूं तो देखो होता है क्या है बच्चों माउंटेन होता है ठीक है और आपको पता है माउंटेन की बर्फ पिघलती है और उसी से रिवर फ्लो करती है इसमें कोई शक नहीं है कोई डाउट नो डाउट ओके माउंटेन की बर्फ पिघलती है और उससे रिवर बनती है सिंपल अब जब ये रिवर फ्लो करना शुरू करती है ना इतनी स्पीड में होती है कि माउंटेन और आसपास के रीजन को इरोड करने लगती है ठीक है यहां से बड़े बड़े रॉक्स को नोचती हुई जाती है एकदम इरोड करती हुई अपने साथ ना जाने कितने करोड़ों सेडिमेंट्स लेके आती है और जब ये एलिवेशन वाले लैंड से नीचे उतरती है दैट मीन्स जब ये प्लेन रीजन में आने लगती है तब इसकी स्पीड स्लो हो जाती है और स्पीड स्लो होने की वजह से अपने साथ ये जो सेडिमेंट्स कैरी कर रही थी ये यहीं पे डिपॉजिट कर देती है यहीं पे इन सारे डिपॉजिट्स को जमा कर देती है और खुद आगे बढ़ जाती है रिवर तो रो, नहीं रुकती रिवर का पानी तो नहीं रुकेगा ना पानी तो फ्लो करता रहेगा पानी चला जाएगा पर अपने साथ लाए हुए सेडिमेंट्स यहीं छोड़ के चला जाएगा और इन्हीं सेडिमेंट्स के अक्यूमेशन से सेडिमेंट्स की से, डिपोजिशन से बनता है प्लेन आप समझ में आई बात रिवर्स आती हैं, माउंटेनस रीजन से सेडिमेंट्स को इरोड करती हुई लाती हैं और जब नीचे आती हैं, स्पीड स्लो होती है सारे सेडिमेंट्स को छोड़ देती हैं और खुद आगे बढ़ जाती हैं। ठीक रिवर्स का काम है ये ये उनकी एक्टिविटी है डेली की वो डेली ना जाने कितने हजार सेडेमेंट्स अपने साथ लाती हैं और फिर प्लेन रीजन में छोड़ के चली जाती है सबसे कमाल की बात यह है कि जो ये सेडेमेंट्स लेके आ रही है ना ये इतने रिच होते हैं मिनरल में इतने न्यूट्रिशस होते हैं कि जब ये टूट के सॉयल बनते हैं तो ये बहुत ही फर्टाइल होते हैं एग्रीकल्चर के लिए जब यही सेडिमेंट्स टूट के मिट्टी बनते हैं तो फिर ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत फर्टाइल होते हैं और इसी वजह से प्लेन्स जो कि इन्हीं सेडमेंट से बना है प्लेन्स बहुत ही फर्टाइल लैंड होती है फॉर एग्रीकल्चर दिस इज द मेन रीजन दैट वाई प्लेन रीजन आर वेरी फर्टाइल फॉर द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बिकॉज द दर प्लेन रीजन इज मेड फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट्स कैरीड अवे बाय द रिवर ओके तो एक बार फिर से रीड कर देते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो जाए मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज the rivers flow down the slopes of mountains and erode them aur jab wo erode karti hain they carry forward the eroded material then they deposit their load consisting of stones sand silt along their courses and in their valleys it is from these deposits that plains are formed ठीक है अच्छा एक मैंने शब्द का इस्तेमाल किया है tributary. Tributary बेटा वो नदी है जो किसी main river में main river में, में, रिवर में ज्वाइन करके कॉन्ट्रीब्यूट करती है ठीक है जैसे गंगा गंगा एक मेन रिवर है और गंगा में यमुना एड हो जाती है सो so यमुना इज अ टेरिटरी सॉरी ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा ठीक घाघर है गंदक है ये सारी रिवर्स गंगा में अपना पानी कंट्रीब्यूट करती हैं. दैट इज वाई दीज आर ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर ठीक है तो कोई भी रिवर जो मेन रिवर में अगर पानी कॉन्ट्रीब्यूट करे कहीं से भी आके ज्वाइन कर ले तो उसे हम ट्रिब्यूटरी का नाम देते हैं ठीक आगे बढ़ते हैं प्लेन रीजन के बारे में जानते हैं जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज इजी दस दीज प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉप्युलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाय द रिवर्स फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका और जैसे कि मैंने बताया प्लेन रीजन बहुत ही फर्टाइल होता है फर्टाइल होता है प्लेन होता है काफी इवन लैंड मिलती है इसलिए ऐसे एरियाज़ में ऐसे जियोग्राफिकल ट्रायन में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क आसानी से स्टैब्लिश किया जा सकता है रोड्स हाईवे स्कूल हॉस्पिटल और ऐसी तमाम इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज कैन बी बिल्ड इन द प्लेन रीजन वेरी हीजीली बिकॉज ऑफ द इवन लैंड वी गेट ऑल राइट एंड दैट इज वाई दीज आर ऑल द फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच प्लेन रीजन आर जनरली थिकली पॉप्यूलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड ठीक आप अगर इंडिया की बात करो तो इंडिया में भी आप अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करो तो नॉर्थ अमेरिका में भी इंडिया में आपको उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश ये पूरा रीजन थिकली पॉपुलेटेड दिखेगा क्योंकि ये पूरा प्लेन रीजन है ठीक है वही नॉर्थ अमेरिका में भी जो सेंट्रल अमेरिका है वहां पे आपको जनरली बहुत ही थिक पॉपुलेशन देखने को मिलेगी क्योंकि तो वो भी एक प्लेन रीजन है ठीक है फॉर एग्जाम्पल इन एशिया दीज प्लेन आर फॉर्म बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र इन इंडिया एंड यांग से इन चाइना और यही वो रीजन है जहां पे बहुत पॉपुलेशन रहती है लैंड भी बहुत ज्यादा फर्टाइल है आपको मैक्सिमम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इन रिवर के कोर्स में आने वाले एरियाज में दिखेगा ये रिवर जहां से भी फ्लो करती हुई जा रही होंगी देखना आप वहीं पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती होगी प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन आसानी से इंसान रह सकता है क्योंकि उसे यहां इतनी सारी फैसिलिटी एग्रीकल्चर जॉब्स ये सारी चीजें मिल जाती हैं इसलिए ह्यूमन हैबिटेशन प्लेन रीजन में काफी आसान हो जाता है

जो हमारे इंडिया का नदन रीजन है जहां पे प्लेन रीजन है इट इज सो फर्टाइल द दॉल इज सो फर्टाइल कि आप बार बार उस पर प्रोडक्शन और कल्टीवेशन भी कर सकते हो इंडिया में अगर बात करें तो इंडो गैंगटिक प्लेन्स इंडो गैंगटिक प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द कंट्री अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं वो डेंसली सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द कंट्री है उत्तर प्रदेश मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया कहा लाई करती है प्लेन रीजन में और क्योंकि हम लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ पढ़ रहे हैं इसलिए ना केवल इंडिया बल्कि आप दुनिया के प्लेन रीजन में भी देख सकते नॉर्थ अमेरिका में चाइना में इनके भी प्लेन रीजन ही डेंसली थिकली पॉप्युलेटेड हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी सबसे ज्यादा यही होती है फेसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग भी सबसे ज्यादा यही बना होता है ठीक है सो दिस इज अबाउट द प्लेन रीजन द लैंडफॉर्म ऑफ दी अर्थ सारे लैंडफॉर्म्स की अंडरस्टैंडिंग के बाद जैसे कि हमने आपको इंडेक्स में भी बताया था वी विल बी रीडिंग हम लैंडफॉर्म्स के साथ लोगों के बारे में भी पढ़ेंगे और इसमें मेजरली हम ये देखेंगे कि, कि किस तरीके के लैंडफॉर्म में लाइफ कितनी आसान या कितनी बेटर होती है ठीक है ह्यूमन हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स इन डिफरेंट वेज आपने देखा होगा पहाड़ों पर भी लोग रहते हैं प्लेन रीजन में भी लोग रहते हैं प्लेटोइ रीजन में भी लोग रहते हैं कोस्टल एरियाज़ में भी लोग रहते हैं और आइलैंड रीजन में भी लोग रहते हैं हर जगह लोग रहते जरूर हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई कंडीशन बना के कॉम्प्रोमाइज करके किसी ना किसी तरीके के एडजस्टमेंट्स के साथ वो अपना वहां पे रेसिडेंस बना लेते हैं लाइफ इज डिफिकल्ट इन माउंटेनस रीजन बहुत डिफिकल्ट है सप्लाईज की कमी होती है रिसोर्सेस कम होती हैं आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है तो अगर आप एक बार सामान खरीद के ले आए हो पहाड़ी चढ़ के और अगर कुछ भूल गए हो तो भैया फिर अगले दिन फिर उस दिन तो वो काम नहीं हो सकता ठीक और भी ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी डिफिकल्टीज जो आपकी लाइफ को काफी डिफिकल्ट बना देती है माउंटेनस रीजन में प्लेन्स ऑन द अदर हैंड प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन जैसे कि हमने कई बार पढ़ा भी है और इस अंडरस्टैंडिंग को हम जानते हैं कि प्लेन रीजन में रिसाइड कर पाना फैक्ट्रीज का बन पाना स्कूल्स का बन पाना हॉस्पिटल्स का बन पाना ये सब थोड़ा सा ज्यादा आइडियल होता है है ना क्योंकि प्लेन रीजन एक स्टेबल लैंडफॉर्म होता है इसलिए इस तरीके की फैसिलिटी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना प्लेन रीजन में आसान होता है और इसलिए लाइफ भी प्लेन रीजन में ज्यादा आसान होती है और शायद यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि प्लेन रीजन में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहती है उत्तर प्रदेश स्टेट जो कि प्लेन रीजन को बिलोंग करती है हाईएस्ट पॉपुलेशन है सबसे पॉपुलस स्टेट है ये इसी से क्लियर हो जाता है कि प्लेन रीजन में लोग रहना पसंद क्यों करते होंगे ओके okay? क्योंकि इट इज इजी टू गो ग्रो क्रॉप बिल्ड अ हाउस और अ रोड इन अ प्लेन दैन अ माउंटेन ठीक है बाकी लैंडफॉर्म्स के बारे में हम क्या समझ सकते हैं समटाइम्स नेचुरल कलामिटीज सच एस अर्थ क्वेक्स वोल्केनिक्लड्स दे कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस बाई क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंट्स वी मे लोअर द रिस्क एज वेल इस इंफॉर्मेशन से हम ये बताना चाह रहे हैं कि यही लैंडफॉर्म्स जिनपे लोग रहते हैं ऐसे ही लैंडफॉर्म्स पे नेचुरल कलामिटीज भी आ जाती है जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं ये नेचुरल कैलॉमिटीज हैं अर्थ को एक सकते हैं वोल्ड के फ्लड्स आते रहते हैं और इनकी वजह से मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है न केवल प्रॉपर्टी को बल्कि लाइफ को भी बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है और ऐसे केसेस में ऐसे इंसिडेंट्स से रिस्क कम हो इसके लिए अवेयरनेस बना के रखना बहुत जरूरी होता है ठीक एक और बहुत बड़ा इशू है हमारे लैंडफॉर्म से रिलेटेड और वो है वेस्टेज एंड पॉल्यूशन वेस्टेज एंड पल्यूशन इसको कंट्रोल करना ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो है ही पर उससे बड़ी जिम्मेदारी है हम सिटीजन की हमें बार बार ये ध्यान देना चाहिए कि हम किसी भी तरीके से चाहे वो किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन हो चाहे वो नॉइस पल्यूशन हो चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो चाहे वो लैंड पल्यूशन हो या जैसे कई लोग सॉइल पॉल्यूशन भी कहते हैं इस तरीके की एक्टिविटीज को लगातार रोकना चाहिए हमें हम कहीं पे भी कूड़ा ना फेंक दें बहुत एक्सेसिव लेवल पे नॉइज ना करें पानी को गंदा ना करें किसी भी तरीके की को कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे हमारे लैंडफॉर्म को नुकसान पहुंचे ठीक है क्योंकि नॉट ओनली फॉर योर फ्यूचर जेनरेशन बल्कि फॉर योर ओन सस्टेनेंस इन रिसोर्सेस को इन लैंडफॉर्म्स को सही रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ठीक है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपने कई बार अपने आसपास न्यूज पेपर न्यूज चैनल या अपने बड़ों से कहते हुए सुना होगा स्वच्छ भारत मिशन के बारे में हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी एंड फॉर अ हेल्दी बॉडी क्लीन एनवायरमेंट पर्टिकुलरली क्लीन वॉटर एयर एंड हाइजेनिक तो स्वच्छ भारत का मिशन यह कहता है कि एक हेल्दी माइंड रह सकता है एक हेल्दी बॉडी में और बॉडी हेल्दी रह सकती है क्लीन एनवायरमेंट में है ना जब आपका एनवायरमेंट साफ हो और साफ एनवायरमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि आपका पीने वाला पानी या यूज करने वाला पानी साफ हो जिस हवा में आप सांस लेते हैं वो हवा साफ हो और आपकी जो सराउंडिंग है वो भी काफी हाइजीनिक हो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है एक क्लीन एनवायरमेंट बनाने के लिए और इसीलिए काम करता है स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छ भारत मिशन इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम एम्स टू अचीव ऑल दीज फॉर पीपल इसका एम है साफ हवा साफ पानी साफ सराउंडिंग्स बनाना ठीक है ये मिशन है लोगों को ये इंकरेज करता है प्रमोट करता है इस चीज को कि आप अपने आस पास रखें इसीलिए इसका मोटो है एक कदम स्वच्छता की ओर कभी भी आपको लगे कि आपने कुछ खा लिया है और आपका पैकेट आपका जो रापर है वो अब आपको कहीं फेंकना है प्लीज उसे कभी सड़क में मत फेंकिए अपने हाथ में रखिए आपको नियर बाय कभी भी कहीं भी डस्टबिन दिख जाए उसमें जाके थ्रो कर दीजिए क्लासरूम में बैठे हैं तो वहीं पर अपनी पेंसिल शार्प करके उसका जितना भी कूड़ा निकलता है वो वहां मत फेंकिए ठीक है घर में अगर मम्मा वेजिटेबल्स काटती हैं या उसका जो भी पील्स पील्स ऑफ होते हैं उन पील्स को इकट्ठा करके किसी ऐसे एक डंपिंग स्पॉट पे फेंक के आइए जहां काउस या कोई और एनिमल्स आके उसे खा सके ठीक सड़क के बीच में किसी भी तरीके से अपने रूम में या क्लास में किसी भी तरीके का कूड़ा ना मचाना ये जो मेन्टेलिटी है ना इस मेंटालिटी के साथ ही आप अपनी कंट्री को और अपने आसपास के एरिया को हाइजीनिक रख पाओगे अगर आपको लगेगा कि हमें इस सड़क से क्या मतलब हम थोड़ी ना इस सड़क पे रहते हैं फेंक दो जो हाँ फेंकना है ये मेंटालिटी अगर आपके पास होगी ना तो आप कभी भी अपने आसपास सफाई नहीं रख पाओगे ठीक है और स्वच्छ भारत मिशन इसी को अकम्पलिश करने की कोशिश करता है क्योंकि ये पूरा लैंडफॉर्म जो हमने अभी इस पूरे चैप्टर में पढ़ा ये सारे लैंडफॉर्म्स हमारी कंट्री के हैं हमारे अर्थ पे हैं ये सब और हमारे अर्थ पे ये सब होने की वजह से इसकी हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे साफ रखें ठीक है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एज अ सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड हमारी ये जिम्मेदारी है कि जहां तक पॉसिबल हो जहां तक भी पॉसिबल हो छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे जैसे भी हम अपने अर्थ को अपनी कंट्री को अपने आसपास के एरिया को क्लीन रखें तो चलो एक बार चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं दैट व्हाट हैव वी रेड इन द इंटायर चैप्टर हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जो अर्थ का सरफेस होता है इट इज नॉट सेम एवरीवेयर लैंडफॉर्म्स की शुरुआत करने से पहले ही हमने ये जान लिया था कि अर्थ का पूरा सरफेस एक जैसा नहीं होता है बहुत ही वैरी करता है ऑल्सो हमारे अर्थ पे इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं कुछ पोर्शन काफी रग्ड होता है कुछ काफी फ्लैट होता है ठीक फिर हमने ये जाना था कि ये लैंडफॉर्म्स बनते कैसे होंगे तो कैसे बनते हैं दो प्रोसेस से या तो इंटरनली कोई ना कोई चेंजेस आ रहे हैं अर्थ के अंदर किसी ना किसी तरीके का अपलिफ्टमेंट या सिंकिंग हो रही है और या तो कोई एक्सटर्नल प्रोसेस हो रहा है विद हेल्प ऑफ इरोजन और डिपोजिशन जिसकी वजह से लैंडफॉर्म्स में चेंजेस आते हैं लैंडफॉर्म्स का क्रिएशन होता है या वियर अवे होता है ठीक है और ये एक्सटर्नल प्रोसेस को कर पाने के मेजर फैक्टर्स कौन से हैं रनिंग वाटर, आइस एंड ये मेजर फैक्टर्स हैं। अगर हम ब्रॉड कैटेगरी में लैंडफॉर्म्स को डिवाइड करें तो हम देखते हैं कि एलिवेशन और स्लोप के डिफरेंस में माउंटेन प्लेटोज और प्लेन्स को आसानी से स्टडी किया जा सकता है क्योंकि तीनों के ही एलिवेशन और तीनों के ही स्लोप काफी डिफरेंट है तो हमने शुरुआत करी थी पहले लैंडफॉर्म से माउंटेन जो कि एक नेचुरल एलिवेशन के साथ बना हुआ एक सरफेस होता है हमेशा कोई ना कोई एक समिट होता है माउंटेन के ऊपर कुछ माउंटेन्स तो इतने ऊंचे होते हैं कि वो क्लाउड्स को भी टच कर रहे होते हैं है ना कुछ माउंटेन्स परमानेंटली फ्रोजन होते हैं क्योंकि आइस होती है वहां पर और इन्ही माउंटेन से निकलती है रिवर्स और कई बार रिवर्स में भी बहुत ज्यादा आइस होती है जिन्हें हम ग्लेशियर्स का नाम देते हैं इसी के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा था दैट देर आर सम समाउंस यू कैन नॉट सी क्योंकि वो सी के अंदर होते हैं ठीक है और फिर हमने बात करी थी माउंटेन के हैबिटेट की कि क्योंकि हार्श क्लाइमेट होता है इस वजह से बहुत ज्यादा लाइवलीहुड या हैबिटेट पॉसिबल नहीं होता है माउंटेन्स पे क्योंकि स्लोप बहुत स्टीप होती है एलिवेशन काफी हाई होता है इसलिए बहुत ही कम लैंड अवेलेबिलिटी होती है फार्मिंग के लिए देन वी सॉ अबाउट माउंटेन्स इनर रेंज अगर लगातार माउंटेन्स एक लाइन में अरेजड है तो उसे हम रेंज ऑफ माउंटेन्स कहते हैं है ना ये एक सिस्टम होता है माउंटेन्स का जिन्हें हम रेंज ऑफ माउंटेन्स कहते हैं एक रेंज में होते हैं इसमें हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे हिमालय एल्ब्स एंडीज जो कि एशिया यूरोप और साउथ अमेरिका में है रिस्पेक्टिवली और ये सब के सब हाइट और शेप में वैरी करते हैं माउंटेन्स के ही साथ हम लोगों ने हिल्स की भी स्टडी करी थी कि हिल वो लैंड सरफेस है जो अपने आसपास के सरफेस से थोड़ा सा उठा हुआ होता है हालांकि अगर इसकी हाइट 600 मीटर से ज्यादा हो जाए तो उसे हम माउंटेन कंसिडर करते हैं फिर हमने मोना किया जो कि हवाई में है उसके बारे में भी पढ़ा था कि वो एक अंडर सी माउंटेन है और उसकी हाइट अगर हम उसके डेप्थ के हिसाब से नापे तो उसकी हाइट दस मीटर से भी ज्यादा है जो कि माउंट एवरेस्ट से काफी बड़ा है देन वी रेड अबाउट द टाइप्स ऑफ माउंटेन्स माउंटेन्स के भी टाइप हो सकते हैं वो फोल्ड हो सकते हैं वो ब्लॉक फॉर्म में हो सकते हैं या फिर वो वोल्के और उसके बाद हमने देखा था कि माउंटेन्सारे कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि वो स्टोर हाउस है वाटर का वहीं से ग्लेशियर्स है वहीं से रिवर्स है वहीं से वो पानी निकलता है जिससे इरीगेशन हो सकता है वही से वो पानी आता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन भी हो सकता है वी रेड योर राइट देन वी राइट सम अदर फीचर ऑल्सो रिवर माउंटेन के बीच में पाए जाते हैं ये बहुत आइडियल लोकेशन होते हैं क्रॉप कल्टीवेशन के लिए एक तो फर्टाइल सॉइल होती है प्लस एक लैंड एरिया मिल जाता है माउंटेनस रीजन में फार्मिंग करने के लिए बहुत रिच फ्लोरा एंड फोना भी पाया जाता है माउंटेनस रीजन में फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं उनसे फ्यूल फोर्टा शेल्टर ये सब चीजें मिलती हैं हमें और टूरिज्म के लिए एक बहुत ही आइडलिक साइट होती है सीनिक ब्यूटी होती है बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हो सकते हैं माउंटेनस रीजन पे माउंटेन के बाद आया था हमारा लैंड फॉर्म जिसका नाम था ये एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड होता है दैट मीनस इसका एलिवेशन तो होता है पर इसकी स्लोप बहुत ज्यादा नहीं होती ठीक है हम लोगों ने ये जाना था कि इसकी स्टीप स्लोप कई बार पाई जा सकती हैं और ये भी माउंटेन की तरह या तो यंग हो सकते हैं या तो ओल्ड हो सकते हैं हम लोगों ने कुछ प्लेटो के नाम भी पढ़े थे इंडिया के रेफरेंस में ओल्डेस्ट प्लेटो हमारा प्लेटो है ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो जो कि स्प्रेड है कीनिया, तंजानिया और और युगांडा तक वेस्टर्न प्लेटो जो ऑस्ट्रेलिया में है फिर हमने बात करी थी टिबेट प्लेटो की जो दुनिया का दुनिया का सबसे हाइएस्ट और लार्जेस्ट प्लेटो भी है ठीक है हाइएस्ट और लार्जेस्ट प्लेटो टिबेट है जिसे हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं हमने बताया था फिर हमने ये भी बताया था कि प्लेटो क्यों यूजफुल होते बिकॉज देर आर अ वेरी रिच सोर्स एंड डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स ठीक है और इसी वजह से देर आर वेरियस एंड ऑफ मिनरल सॉरी माइनिंग ऑफ मिनरल्स हैपनिंग हैीजन एफ्रिकन प्लैटो इज फेमस फॉर द गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग इंडिया में छोटा नागपुर प्लेटो आयरन कोल और मैंगनीस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ठीक है उसके बाद हमने देखा था कि प्लेटो से बहुत सारे वॉटरफॉल्स भी निकलते हैं ठीक हुंडरू फॉल्स जॉक फॉल्स ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फॉल्स हैं जो प्लेटो एक रीजन में इंडिया में पाए जाते हैं हम लोगों ने देखा था कि वो प्लेटो जो लावा के सॉलिडिफिकेशन से बने होते हैं वहां पर पाई जाती है अबंडेंस में ब्लैक सॉइल विच इज वेरी बेनिफिशियल एंड एडवांटेज यूज फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन कॉटन क्रॉप के लिए ब्लैक सॉइल बहुत अच्छी होती है ठीक एंड जस्ट लाइक माउंटेन्स प्लेटो भी अपनी सीनिक स्पॉट्स के लिए बहुत बड़ा अट्रैक्शन सेंटर होते हैं टूरिस्ट के लिए और फिर प्लेटो के बाद हमने देखा था अपना तीसरा लैंड फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन एंड स्लोप जिसका नाम था प्लेन्स ये लार्ज स्ट्रेचेस हैं फ्लैट लैंड की दैट मींस इनका एलिवेशन बहुत ज्यादा हाई नहीं होता दे आर जनरली नॉट मोर देन टू मीटर्स अब लेवल ठीक मीन सी लेवल के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो 200 मीटर से ज्यादा हाइट प्लेन एरिया की ज्यादातर नहीं होती है और ये एक्सट्रीमली लेवल्ड होते हैं कई बार थोड़े से रोलिंग कई बार थोड़े से अनड्यूलेटिंग होते हैं और ये कैसे बनते हैं रिवर्स या उनकी ट्रिब्यूटरीज जो अपने साथ रन डाउन सेडिमेंट्स लेके आती हैं उन्हीं के डिपोजिशन से बना हुआ है पूरा का पूरा प्लेन रीजन ठीक इन्हीं डिपॉजिट से बनते हैं प्लेन रीजन और बहुत ही फर्टाइल लैंड होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छे होते हैं और इसी वजह से थिकली पॉपुलेटेड भी होते हैं लार्जेस्ट प्लेन एरिया जो रिवर से बनाए जाते हैं वो एशिया और नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलते हैं इंडिया में गैन्जेज और ब्रह्मपुत्र ने बनाए हैं मेजर प्लेन एरिया इन द कंट्री और क्योंकि प्लेन रीजन में हैबिटेट क्रॉपिंग, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन ये सारी चीजें अच्छे तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू बनाई जा सकती हैं इसलिए प्लेन एरिया में ह्यूमन हैबिटेशन बहुत आसानी से और बहुत ज्यादा लेवल पे भी होता है इसीलिए बहुत ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीपल लिव ऑन द फ्लैटलैंड करेक्ट इंडो कैंगटिक प्लेन आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द कंट्री हम लोगों ने स्टडी भी किया उसके बाद हमने एंड में देखा था कि लैंडफॉर्म्स पीपल का क्या रिलेशन है कैसे अलग अलग लैंडफॉर्म्स अलग अलग तरीके की कंडीशंस बनाते हैं लोगों के लिए माउंटेनस रीजन पे थोड़ा टफ होता है रहना प्लेन रीजन पे थोड़ा सा बेटर होता है कंडीशंस हैबिटेट और पॉपुलेशन सस्टेनेस के लिए फिर हमने देखा था कि इन्ही लैंडफॉर्म्स पर आती है नेचुरल कलामिटीज जिनसे बचपाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है और इनसे काफी यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी भी हो सकता है पर अगर हम क्रिएटिव अवेयरनेस रखें ऐसे इंसिडेंसेस की तो रिस्क को कम किया जा सकता है एंड इन रेड अबाउट दिस स्वच्छ भारत मिशन ठीक है जो जिसका एक सोच है दैट वी हैव टू बी क्लीन एंड हाइजीनिक हम अपने इन्वायरमेंट को अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखें हाइजीनिक रखें जिससे हम हेल्थी रहेंगे हमारा माइंड हेल्थी रहेगा बॉडी हेल्दी रहेगी ओके सो दिस वॉज इट अबाउट द चैप्टर ऑल राइट लेट्स रिकॉल द चैप्टर विद्प ऑफ सम एक्सरसाइजेज मेजर लैंड फॉर्म ऑफ दर्थ हमने चैप्टर पढ़ा और अब हम इस चैप्टर को रिकॉल भी कर लेते हैं क्योंकि रिविजन के बिना बी नो लर्निंग याद कर लो कि सब भूल जाओगे अगर इसको रिकॉल नहीं करा तो ठीक है ऑल राइट फर्स्ट क्वेश्चन इज सेंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली दैट मीन्स हम कुछ पार्ट पढ़ेंगे और आपको सारे पार्ट के आंसर ब्रीफली करने हैं ठीक है ब्रीफ में शॉर्ट में बहुत बड़े बड़े ऐसे नहीं लिखने हैं ऑल राइट मैंने यहाँ पे आंसर्स प्रोवाइड भी किए हैं यू कैन मेक योर ओन आंसर यू कैन रेक्टिफाई कि आपका आंसर मेरे आंसर की वैल्यू से मैच हो रहा है कि नहीं ठीक है लैंग्वेज थोड़ी इधर उधर हो सकती है आपकी और हमारे आंसर की वैल्यू को याद रखना ठीक है कि इन करेक्टनेस नहीं होनी चाहिए करेक्टनेस को चेक कर लेना एक बार ठीक है आई एम नॉट से मेरा ही आंसर कॉपी कर लो आप अपना आंसर भी बना सकते हो बस करेक्टनेस देख लेना एक बार वैल्यू देख लेना उस क्वेश्चन की ठीक है ऑल राइट फर्स्ट पार्ट इज संग व्हाट आर द मेजर लैंड फॉर्म्स लैंडफॉर्म्स कौन से हैं मेजर वेरी वेरी इजी क्वेश्चन पूरे चैप्टर में हमने बार बार यही देखा है और सबको पार्ट्स में पढ़ा भी है द मेजर लैंड फॉर्म आर माउंटेन्स फ्लैटोस एंड प्लेन्स पूरा अर्थ इन्हीं तीन मेजर लैंडफॉर्म में बटा हुआ है या तो कोई रीजन प्लेन हो सकता है या तो कोई रीजन प्लेटो में हो सकता है प्लेटो बेस्ड हो सकता है और या तो कोई रीजन माउंटेन बेस्ड हो सकता है एंड लकली इंडिया के पास ये तीनों लैंडफॉर्म्स हैं इसलिए आपकी अंडरस्टैंडिंग और आसान है क्योंकि आपके पास नॉर्थ इंडिया का जो रीजन है स्पेशली उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश वाला रीजन ये पूरा प्लेन एरिया है है ना फिर आपके पास प्लेटो एक रीजन भी है महाराष्ट्र कर्नाटका ये हल्का हल्का आंध्र प्रदेश ये पूरा रीजन प्लेटो बेस्ड है माउंटेन माउंटेनस रीजन भी आपके पास है ठीक है जम्मू कश्मीर है उत्तराखंड है हिमाचल प्रदेश है नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे रीजन है साउथ इंडिया के बहुत सारे रीजन है जो माउंटेन बेस्ड है ठीक है तो हमारे यहाँ सारे लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं इसलिए इट्स तो वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दीज लैंडफॉर्म्स बी पार्ट इज से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अउंटेन एंड अ प्लेटो माउंटेन और प्लेटो के बीच में डिफरेंस पूछा है बिल्कुल ही ऑपोजिट बिल्कुल ही डिफरेंट लैंडफॉर्म्स होते हैं ये है ना माउंटेन में स्मॉल समिट एंड ब्रॉड बेस बट अ प्लेटो इज फ्लैट स्टैंडिंग वाला जो पीक एरिया है वो छोटा हो पर उसका बेस काफी बड़ा होता है माउंटेन है ऐसे भी हो सकता है कि पीक तो बहुत छोटी है पर उसका बेस बहुत चौड़ा है वही जो प्लेटो होता है वो फ्लैट होता है आप जब प्लेटो के टॉप पे पहुंचोगे आप पाओगे कि वो भी फ्लैट है बिल्कुल फ्लैट है वो रीजन ठीक है टिबिट बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे लिए उसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है ये हमारी पूरी दुनिया की छत मानी जाती है टिबिट का रीजन क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लेटो रीजन है ठीक है एग्जाम्पल क्या हो सकता है माउंटेन का द हिमालयन माउंटेन और एग्जाम्पल क्या हो सकता है प्लेटो का द दे डेकन प्लेटो ठीक क्योंकि ये पूरा प्लाटो बेस्ड एरिया है तो वो डेकन प्लाटो हो गया फ्लैट टॉप्ड एरिया और हिमालयन माउंटेन्स हो गए हमारे समिट बेस्ड एरिया जिसका बेस ब्रॉड है बट समिट थोड़े छोटे एरिया की है ठीक है पार्ट नंबर सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स हमने कुछ तरीके के माउंटेन्स पढ़े चैप्टर में ठीक है माउंटेन सब होते है सबकी कोई पीक होती है आपको जानना पड़ता है ऊपर तक और वो कभी कभी स्टीप हो सकता है कभी कभी थोड़ा फ्लैट हो सकता है बट सबकी जो फॉर्मेशन का क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है और बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन हमने पढ़ा था दैट माउंटेन्स आर ऑफ थ्री टाइप्स फोल्ड माउंटेन्स ब्लॉक माउंटेन्स एंड वोल्केनिक माउंटेन्स तीन तरह के माउंटेन्स हमने चैप्टर में पढ़े थे एक्सप्लेनेशन मैं यहां इसका नहीं दूंगी ऑलरेडी गिवन इन द चैप्टर अगर आपको नहीं याद आ रहा है इफ यू वॉन्ट टू रिवाइज यू कैन गो बैक टू द चैप्टर एंड स्लाइड एंड यू कैन लिसन ओवर देर की मैंने फोल्ड ब्लॉक वोल्केनिक वौल, में क्या पढ़ाया था ठीक है यहां पर मैं केवल ब्रीफ में आंसर कर रही हूं इस लाइव जस्ट बी नेमिंग दम ऑल डी पार्ट हाउ आर माउंटेन्स यूजफुल टू मैन इंसान के लिए माउंटेन्स क्यों इंपॉर्टेंट है आप खुद बताओ आप परमानेंटली वहां रह तो पाते नहीं हो है ना या कई लोग रहते भी हैं बट वो प्लेन एरिया के तरीके का बंगलो बना के नहीं रह सकते तो फिर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए माउंटेन्स सो द आंसर इज दाउंटेन्स आर यूजफुल टू मैन इन अ वैरायटी ऑफ वेज फर्स्ट इज माउंटेन्स आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर क्योंकि उन्हीं पे स्नो आती है वो इतनी हाइट पे होते हैं कि वहां टेम्परेचर काफी कम होता है और इस वजह से वहां स्नो आती है और फिर वो स्नो बाद में वॉटर में कन्वर्ट होती है दैट इज दे आर द स्टोर हाउस ऑफ वॉटर विच इज द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींगा इज हार यूज ऑफ पीपल वाटर इज यूज फॉर एरिगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो ठीक तो माउंटेन्स स्टोर हाउस ऑफ हो गए और फिर उस वॉटर को यूज कैसे किया जाता है हाउ डू वी यूज दैट वॉटर विच इज stored on the mountains. Whatever water comes from mountains, that water goes to reservoirs and then that water is channeled to get supplied to the people. Same water which is released from the mountains are used for irrigation also for the generation of electricity, hydroelectricity also. Second reason why mountains are important or useful to a man. माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना है ना वहां पे बहुत तरीके का फोना और बहुत तरीके का फ्लोरा होता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर कमर्शियल एंड डे टू डे नीड्स थर्ड रीजन माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडलिक साइट फॉर टूरिस्ट दे विजिट द माउंटेन्स फॉर देयर सीनिक ब्यूटी माउंटेन्स की सीनिक ब्यूटी होती है जिसकी वजह से द डिपार्टमेंट और यू कैन से द फील्ड ऑफ टूरिज्म ग्रोज और जब टूरिस्ट आते हैं उसकी वजह से इकोनॉमी को हेल्प मिलती है राइट right? कैसे इकोनॉमी को हेल्प मिलती है क्योंकि टूरिस्ट आएंगे यहां पे आके कुछ खरीदेंगे इंडिया आएंगे तो बहुत सारी चीजें खरीदेंगे है ना यहां पे आके बहुत सारा अपना मनी इन्फ्यूज करेंगे करेक्ट इस वजह से भी माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल टू अ मैन एंड ऑल्सो टू अ कंट्री बिकॉज उनकी सीनिक ब्यूटी की वजह से इकोनॉमी को काफी ग्रोथ मिलती है ठीक है

consisting of the stones sand and silt along their courses in their valley and in their valleys it is from these deposits that plains are formed kya hota hai maine chapter mein bhi padhaya tha mountain hai माउंटेन के एंड से रिवर फ्लो करना शुरू करती है क्योंकि यहाँ ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आके स्नो पिघलती है The snow gets melted and फॉर्म्स द रिवर रिवर फ्लो करना शुरू करती है एंड यहाँ पे वो काफी स्पीड में होती है ना क्योंकि वो इतनी स्टीप एरिया से आ रही है तो स्पीड काफी तेज होती है और फ्लो भी बहुत ज्यादा होता है इसकी वजह से यहाँ का जितना भी एरिया है ये जितना भी मैं यहाँ पे ये ये रेड एरिया जो मैं यहाँ पे लाइन कर रही हूँ, इस पूरा एरिया में फ्लो और स्पीड बहुत तेज होती है रिवर की डैट इज वाई वो इस पूरे रीजन को इरोड करती हुई जाती है ठीक है एक एक सेडिमेंट को उखाड़ती हुई जाती है अपने साथ बट क्या ये स्पीड बहुत दूर तक बनी रहेगी नहीं बनी रहेगी है ना दे विल कम अ टाइम वेन दिस रिवर फ्लो एन द स्पीड ऑफ द रिवर विल डिक्रीज एंड इवेंचुअली वॉट द रिवर विल डू दे विल अनलोड ऑल द सेडिमेंट्स जितना भी सेडिमेंट वो अपने साथ लेके आ रही है पूरे रास्ते में वो कहीं ना कहीं आके अनलोड कर देंगे है ना एंड दे विल वो तो फ्लो करती रहेंगे दे विल कीप फ्लोइंग बट जहां भी उन्होंने अनलोड किया है वहां पे वो सारे सेडिमेंट इकट्ठा हो जाएंगे एंड इट विल क्रिएट अ प्लेन रीजन इट विल क्रिएट अ प्लेन रीजन और इसी वजह से जनरली द प्लेन्स आर द मोस्ट फर्टाइल लैंड एज वेल सबसे फर्टाइल लैंड भी प्लेन रीजन होती है क्योंकि यहां पे रिवर्स के लाए गए बहुत सारे मिनरल बेस्ड सेडिमेंट्स होते हैं ठीक है, इज हाउ द रिवर्स ओके तो रिवर्स की वजह से प्लेन्स बनते हैं देखो रिलेशन देख रहे हो आप कैसे लैंड और वाटर का कैसा रिलेशन है वाटर की वजह से लैंड का क्रिएशन हो रहा है ठीक सो दिस इज हाउ प्लेन्स आर फॉर्म्ड मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट

और एग्रीकल्चर हो रहा है दैट मीन उसको सप्लाई करने के लिए फैक्ट्रीज होंगी मैन्युफैक्चरर्स होंगे वहीं पे इसीलिए जनरली जो प्लेन एरिया होते हैं वो थिकली पॉपुलेटेड होते हैं आप देख लो उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश का रीजन कितना ज्यादा थिकली पॉपुलेटेड है इनफैक्ट उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है हाईएस्ट पॉपुलेशन है इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बिकॉज इट्स अ प्लेन रीजन वो एक प्लेन रीजन का स्टेट है फर्टाइल है स्टेबल है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एग्रीकल्चर बहुत होता है तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स बहुत सारी फैक्ट्रीज बहुत सारी सप्लाई चेन्स है उस रीजन में ठीक है द रिवर प्लेन आर वेरी सुटेबल फॉर द ह्यूमन हैबिटेशन पीपल गेट फ्लैट लैंड फॉर बिल्डिंग देयर हाउसेस एंड फॉर कल्टिवेशन द सॉइल ऑफ रिवर प्लेन्स इज वेरी फर्टाइल मैं ये नहीं कह रही कि और कोई सॉइल फर्टाइल नहीं होती ऑफ कोर्स ऑफकोर्स आर फर्टाइल ब्लैक सॉइल भी फर्टाइल है रेड सॉइल भी फर्टाइल है बट जितनी वैरायटी ऑफ क्रॉप अलूवियल पाई जाती है अलूवियल सॉइल में जितनी फर्टिलिटी होती है उतनी ज्यादा फर्टिलिटी बाकी सॉइल में नहीं होती है ना दैट इज वाई आई एम सेइंग बाकी सब भी बाकी सब सॉइल भी फर्टाइल होती है उनमें भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की क्रॉप उग सकती हैं बट जो कमर्शियल वैल्यू की क्रॉप अलूवियल में उगती है वो कहीं नहीं उग सकती ठीक और राइट तो दॉइल ऑफ रिवर प्लेन्स इज वेरी फर्टाइल हेंस पीपल लिव योर एंड कल्टिवेट द लैंड फॉर देयर लिविंग मैंने अभी बताया कि प्लेन रीजन एक फ्लैट लैंड होता है ना आपको फ्लैट एरिया मिल जाता है एक स्टेबल लैंड मास मिल जाता है जहां आप बिल्डिंग स्कूल हॉस्पिटल और भी बहुत सारी तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर सकते हो यहाँ के रीजन का सॉयल भी फर्टाइल होता है इसलिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी हो सकता है एंड क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग्स भी बन सकती हैं और एग्रीकल्चर भी हो सकता है इसलिए दो तरीके के लोग यहाँ रहते हैं वो जो फार्मिंग कर रहे हैं वो जो बिल्डिंग बना के इस चीज का बिजनेस कर रहे हैं ठीक तो बिजनेस क्लास एंड लेबर क्लास दोनों क्लासेस यहां रह पाती हैं इसलिए प्लेन रीजन थिकली पॉपुलेटेड होते हैं ठीक है ऑल राइट कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट वाई आर माउंटेन्स थिनली पॉप्युलेटेड एक जगह आपसे बोला गया कि थिक पॉप्यूलेटेड क्यों है और एक आपसे पूछा गया कि थिन पॉप्यूलेटेड क्यों है माउंटेन में लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट हार्ड कंडीशन है क्योंकि वेदर जनरली ठंडा रहता है और जब विंटर्स का टाइम आता है तब तो बहुत ही एक्सट्रीम विंटर कंडीशन होती है ठीक लैंड भी इतनी स्टेबल नहीं है कि आप वहां पर बिल्डिंग्स एंड बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर सको है ना क्योंकि माउंटेन रीजन की जो लैंड होती है वो थोड़ी सी वीक है आपको नहीं पता कि कब कहां पर कौन सा कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है नहीं। well, houses, कि नहीं लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट इन माउंटेन एरिया बिकॉज ऑफ दार्ड क्लाइमेट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू ग्रो क्रॉप एज वेल बिल्ड हाउसेज और रोड इन अउंटेन हालांकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे एफर्ट किए हैं थ्रू आउट द इर्स की वो कॉन्स्टेंटली माउंटेनस रीजन में भी सेफ रोड्स एंड बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कर सके पर फिर भी डेंजर इज ऑलवेज देयर राइट यू कैन नॉट ओवर डू आप ओवर डू करोगे आप अगर ओवर डू करोगे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में माउंटेनस रीजन में तो वो कोई ना कोई कैटास्ट्रोफ़ लेके ही आएगा है ना डिस्ट्रक्शन जरूर होगा अगर आप ओवर डू करोगे तो क्योंकि माउंटेन रीजन सेंसिटिव रीजन होता है आप बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते माउंटेन की लैंड को एंड इसीलिए माउंटेन थिन पॉपुलेटेड होता है बहुत कम लोग वहां रहते हैं, क्योंकि हार्श क्लाइमेट है क्रॉप्स की ग्रो होने की भी बहुत ज्यादा चॉइसेस नहीं होती हाउसेस और रोड्स उस तरह से नहीं बन सकते जैसे प्लेन एरिया में बनते हैं दैट इज वाई पीपल डू नॉट प्रेफर टू लिव योर ओके जनरली वो लोग रहते हैं जो उनके पूरे एंसेस्टर्स वहीं रहे हो वो लोग वहां रहते हैं या फिर टूरिज्म से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने अपना कोई वहां बिजनेस खोल लिया हो जनरली वो लोग माउंटेन्स में रहते हैं ठीक है बाकी जनरली लोग अदर ऑपरचुनिटीज के लिए दूसरे सिटीज एंड रीजन में शिफ्ट हो ही जाते हैं ठीक मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर वन खत्म ब्रीफली आंसर खत्म अब आते हैं टिक द करेक्ट आंसर पे क्या करना है अ स्टेटमेंट विल बी गिवन विथ थ्री ऑप्शन एंड यू विल हैव टू द बेस्ट करेक्ट ऑप्शन सारे क्वेश्चन चैप्टर में से हैं कहीं भी लगे कि नहीं आ रहा है भूल गए हैं कंफ्यूज हो रहे हैं पॉज योर गो बैक टू द चैप्टर रिवाइज एंड देन कम बैक ए स्टेटमेंट इज द माउंटेन्स डिफर फ्रॉम द हिल्स माउंटेन और हिल्स में डिफरेंस होता है पर कैसे पता चलता है एलिवेशन से स्लोप से या फिर उसके एस्पेक्ट से कैसे पता चलता है एलिवेशन से जितना ज्यादा एलिवेशन वो माउंटेन हो जाएगा हिल्स का एलिवेशन कम होता है है ना माउंटेन्स का एलिवेशन ज्यादा होता है बी पार्ट ग्लेशियर्स आर फाउंड इन माउंटेंस प्लेन्स या फिर प्लेटोस ग्लेशियर्स कहां बनेंगे खुद सोचो ग्लेशियर वो आइस का फॉर्मेशन है जो स्नो से टूट रहा है बताओ कहां बनेंगे माउंटेन्स पे ये वो ग्लेशियर्स ही है जो डाउन द स्लोप माउंटेन के ये वो माउंटेन सॉरी ये वो ग्लेशियर्स ही हैं जो माउंटेन के डाउन स्लोप में आके मेल्ट होते हैं एंड देन दे फॉर्म रिवर्स राइट दैट इज वाई ग्लेशियर्स आर फाउंड माउंटेनस रीजन नेक्स्ट पार्ट द डेकिन प्लेटो इज लोकेटेड इन इज लोकेटेड ये बीच में स्पेस है क्या इज लोकेटेड इन कहां पे लोकेटेड है भैया केनिया में ऑस्ट्रेलिया में या इंडिया में वेरी इजी आंसर इंडिया में डे इन प्लेटो महाराष्ट्र कर्नाटका का पूरा रीजन है वहां पर डीपा द रिवर यांग से यांग से रिवर नाम याद रखना है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिवर ओके कई बार न्यूज में भी रहती है और हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे आसपास पास ही है कहीं पे जो ये फ्लो करती है सो रिवर यांग से कहां पर है साउथ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया या फिर चाइना आई हैव गिवन यू द क्लू जिसने ध्यान से सुना होगा उसको आंसर समझ में आ गया होगा द आंसर इज चाइना यांग से रिवर इज इन चाइना इट फ्लोज इन चाइना ओके पार्ट अन इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप यूरोप की सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है इन पार्ट को कौन सी है क्या नाम है Andes, या रॉकीज? ही है यूरोप की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज क्योंकि एल्प से ही यूरोप को अपना लो लैंड एरिया मिल जाता है, है ना लो लैंड एरिया मिलता है वहीं से वाटर जनरेट हो पाता है और उसी वाटर से इरिगेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ये सारी चीजें स्लो लैंड एरिया पे हो सकती हैं। दैट इज आर वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज फॉर यूरोप एंडीज तो आपको पता है साउथ अमेरिका में हमने चैप्टर में देखा भी था ये तो साउथ अमेरिका में तो ये इसका तो ऑप्शन ही बिल्कुल गलत हो गया है ना और जो रॉकीज है वो नॉर्थ अमेरिका में है तो ये भी ऑप्शन आउट हो गया अगर आपको कभी भी आंसर ना आता हो तो आप एलिमिनेशन का प्रोसेस कर सकते हो एलिमिनेशन कैसे तीन ऑप्शन दिए हुए थे तीन में से आप पहले ये देखो अगर आपको नहीं पता है कि एल्प आंसर है तो आप क्या कर सकते हो पहले आप एंडीज को देखो आपको याद होना चाहिए कि एंडीज तो साउथ अमेरिका में होता है रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में होता है तो बचा कौन एल्प्स यही होगा जो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है यूरोप के लिए ठीक है इस तरीके से आप कैंसिल करके ऑप्शन को कैंसिल करके भी आंसर निकाल सकते हो ठीक है मूविंग ऑन टेक द करेक्ट आंसर खत्म अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे फिल इन द ब्लैंक्स सारे स्टेटमेंट चैप्टर में से हैं डोंट वरी बिकॉज देर आर नो ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन सो यू हैव टू बी ऑन योर ओन आपको खुद याद होना चाहिए कि वॉट विल बी दी अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज से डैश इज एन अनब्रोकन टूटा हुआ नहीं है अनब्रोकन फ्लैट और अ लो लेवल लैंड क्या है अ प्लेन पहली बात तो वो टूटा हुआ नहीं है और लो लेवल लैंड है, है ना स्टेबल लैंड है जहां पे बिल्डिंग स्कूल हॉस्पिटल बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल बिल्डिंग्स और एग्रीकल्चर पॉसिबल होता है तो एक प्लेन एरिया जो होता है वो अनब्रोकन फ्लैट लैंड होता है सेकेंड स्टेटमेंट इज द हिमालय एंड द हिमालय हो गए इंडिया के इंडिया चाइना नेपाल एल्प हो गए आपके यूरोप में ये किस टाइप के माउंटेन्स हैं हिमालयाल्प आर एग्जाम्पल्स ऑफ डैश टाइप्स ऑफ माउंटेन्स हम लोगों ने टाइप्स ऑफ माउंटेन्स पढ़े थे कुछ ऐसे टाइप्स पढ़े थे याद है एल्पस और हिमालया में सिमिलैरिटी थी दोनों के दोनों यंग हैं और फोल्डेड माउंटेन्स हैं फोल्डिंग से बने हैं ठीक है दो कॉन्टिनेंट्स फोल्ड हो रहे थे और इसलिए ये माउंटेन्स का क्रिएशन हुआ था ठीक दोनों यंग हैं दोनों अभी नए नए बने हैं ये नहीं कह रही हूं कि दो साल पहले बने हैं ठीक है बहुत पहले टाइम बने थे लेकिन बाकी माउंटेन्स के कंपैरिजन में ये है यंग हैं ठीक है सो दीज आर यंग फोल्ड थर्ड स्टेटमेंट डैश एरियाज आर रिच इन मिनरल डिपोजिट हमने चैप्टर में कई बार रिपीट भी किया है अभी क्वेश्चन आंसर में भी रिपीट किया था कौन से ऐसे एरिया होते हैं जो मिनरल डिपॉजिट्स में बहुत ज्यादा रिच होते हैं द आंसर इज प्लैटो क्यों क्योंकि प्लैटो का क्रिएशन होता है एंशियंट वोल्केनिक इरप्शन से एंशियंट वोल्केनिक इराप्शन हुए जिसमें मैग्मा बाहर आया वही मैग्मा जब सॉलिडिफाई हो गया एंड आफ्टर मिलियंस ऑफ इयर्स वो एक लैंड का क्रिएशन कर चुका है और उस लैंड पे वो जो मैग्मा में मिनरल्स थे वही तो सॉलिडिफाई हुए थे दैट इज वाई प्लेटोज आर वेरी रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स जैसे प्लेन एरिया प्लेन एरिया में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो रिवर लेके आते हैं बट वो यंग एक्टिव मिनरल्स होते हैं ठीक है अभी अभी लाए हुए मिनरल्स होते हैं पर अगर हम डिपॉजिट्स की बात करें कि सबसे ज्यादा डिपोजिशन कहां पर है मिनरल्स का तो वो होता है प्लेटो रीजन में क्योंकि वो इंबेडेड है सालों साल से मिलियंस ऑफ इयर्स से वो मिनरल्स मैग्मा के फॉर्म में जो बाहर आए थे वो सॉलिडिफाई होकर लैंड बन चुके हैं एंड दैट इज व्हाई प्लेटो हैज अ वेरी ह्यूज एंड रिच डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स मूविंग ऑन टू द फोर्थ स्टेटमेंट द डैश इज अ लाइन ऑफ माउंटेन्स एक लाइन ऑफ माउंटेन्स को क्या कहा जाता है वेरी इजी आंसर रेंज माउंटेन की पूरी एक लाइन बन जाए तो उसे हम रेंज कहते हैं ठीक द रेंज ऑफ माउंटेन्स फिफ्थ स्टेटमेंट द डैश एरियाज आर मोस्ट प्रोडक्टिंग इट्स प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव ओके सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है फार्मिंग के लिए कौन से एरिया है? सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं फार्मिंग के लिए द प्लेन रीजन क्योंकि यहां पे अलूवियल सॉइल आती है यहां पे रिवर के डिपॉजिट से बना हुआ ये रीजन होता है रिवर डिपॉजिट्स, जो कि अपने साथ बहुत सारे सेडमेंट लेके आता है रन डाउन करके लाता है दैट इज वाई These areas, the plain area, are the most productive for farming activities. And with this, we have come to the end of our chapter. Thank you, revise well. Happy learning. We'll see you in the next one.